ओके हाँ यू में स्टार्ट नाउ। ठीक है, अपन पहले एक बार बस जरा सा थोड़ी सी देर के लिए ये देख लेते हैं पहले, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अपन यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये इसमें जो मेरी फट ठीक है, अभी सुनो मैं बता रहा हूँ, आप थोड़े से प्रीरिक्विजिट देख लो। पहली चीज तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि मैंने कल रात में 12 बजे पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, लेक्चर 10 से, और मैंने 4 बजे तक पढ़ा था लेक्चर नंबर 12 तक, ठीक है, 4 घंटे में 2 लेक्चर। फिर मैंने आज शुरू किया लेक्चर 13 से 1 बजे दिन में, और मैंने खत्म किया 6 बजे, ठीक है। तो बहुत ही बुरी हालत है, मैं पहले ही सबको बता देना चाहता हूँ, मेरी भी और तुम सबकी भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सब मिलके पढ़ेंगे एक दूसरे को, मुझे भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी बीच में जो शायद मुझे भी इतनी क्लिक नहीं की होंगी, ठीक है। पिछली बार इतना प्रोडक्टिव सेशन शायद ना रहे, बट ठीक है, बेस्ट ट्राई करेंगे अपन अपना, है ना। बाकी सब कुछ नहीं दे रहा है ना, हेलो, हाँ ठीक है, चलो ठीक। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भाई अपना ये रहता है कि इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये अपने को पता है कि भाई ये आर कैप की डायरेक्शन है ऊपर की साइड, ठीक है, आगे ड्रॉ ये रहा, ये आर कैप की डायरेक्शन ये है, थीटा कैप की डायरेक्शन ये है, और फाई कैप की डायरेक्शन अंदर जाएगी प्लेन में, मतलब समझ जाना, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो अपन लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, आर कैप की डायरेक्शन में डी आर कैप, थीटा कैप की डायरेक्शन में आर डी थीटा, और फाई कैप की डायरेक्शन में आर साइन थीटा डी फाई। ये कैसे आता है क्या आता है अभी नहीं डिस्कस कर सकता अपन, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें, है ना। बाकी वही है, डी ए आर, डी ए थीटा, डी ए फाई कैसे निकालना है ये भी सबको पता ही है, देख लो एक बार ध्यान से 2 सेकंड के लिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से, बहुत बहुत इजी है ये, पढ़ लेना यार, प्लीज प्लीज पढ़ लेना ये सर ने कुछ पढ़ाया था मिडसेम के टाइम पर ही पढ़ाया था, मुझे नहीं पता क्या था ये, मुझे समझ में ज्यादा आया नहीं था, मैंने पहले भी बोला था पिछले वाले में कि ये पढ़ लेना एक बार, ऐसी रीडिंग मार लेना। बाकी ये पता है सबको फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 / R², ठीक है, सब पढ़ा हुआ है, ये भी पता है, ये देख लो एक बार कि भाई लीनियर चार्ज, मतलब किसी भी एलिमेंट का अपन चार्ज लेते हैं तो अगर वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इनटू डीएल, सरफेस चार्ज एमडी से, तो डेंसिटी है तो ये डेल्टा इनटू डीए, नहीं तो रो इनटू डी डी टाउ, ये वॉल्यूम होता है। डेल्टा फंक्शन आता है क्या तुझे? सॉरी क्या? डेल्टा फंक्शन, हाँ डेल्टा फंक्शन है ना, पढ़ना है क्या यार उसका? एक वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन कराया था ना सर ने, वो बता देना एक बार। डेल्टा फंक्शन तो काफी ऊपर होगा यार। नहीं मतलब भाई डेल्टा फंक्शन उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहले पढ़ा था, तूने लिखा नहीं वो शायद तक। अच्छा हां, वो जो पेज नंबर लिखे ना वही वाला पार्ट उसी में हां इसी में ही है वो, मुझे भी समझ में नहीं आया था इसीलिए मैंने लिखा था कि भाई पढ़ लेना पहले ही खोल के, ठीक है। बाकी डेरिवेशन क्या समझना है इसमें, मतलब यार ये सब अपन देख चुके, अपन अवॉइड करते क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है, ये सब अपन देख सकते हैं नोट्स पढ़ के भी कैसे आया क्या है। तो पुरानी क्लास के इसने रिकॉर्डिंग भी YouTube पे अपलोड कर रखी है, तो तुम वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तुम उसे देख लेना। हां कंटिन्यू, ठीक है भाई। ये बताना है क्या, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीजें तुम बता देना कि बतानी कि नहीं, बताऊं क्या? हेलो, अरे नहीं यार, तू जहाँ से क्विज में आ रहा है ना वहां से शुरू कर भाई, क्विज में तो ये चीज से आ रहा है, ऐसे आनी चाहिए बेसिकली, वो इसलिए बोल रहा हूं। हां इसलिए कह रहा हूं मैं, हां कि अगर ये ओवरव्यू, सुन सुन थोड़ा ओवरव्यू दे दे बाकियों को, ठीक है। हां क्योंकि कई, ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है, अगर ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा 10 मिनट बोरिंग होगा जिनको आता है, ठीक है, तो तुम थोड़ा प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगी, एक इस डायरेक्शन में होगी, एक ए इस पॉइंट की वजह से एक इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और जो इधर वाली और इधर वाली होगी वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो रिजल्टेंट बस यही बचती है ना, और इस वाली डायरेक्शन से भी एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपन ने कैसे डिटरमाइन किया इसको भाई, एक साइड का लिया अपन ने, दो साइड का नहीं लिया, तो के, ये तो के है, cos theta lambda dz, lambda dz ले लिया, इसका q इतने पार्ट का, अपॉन z² + s² ये हो गया, ये वाला पार्ट लेंथ, और cos theta अपन ने लिया इसका इस डायरेक्शन में, मतलब इस जगह पे क्या इसका वेक्टर फील्ड आएगा वो अपन ने निकाले बेसिकली,
ठीक है, तो इधर से इस वाले डायरेक्शन से एक इधर आया, इस वाले डायरेक्शन से एक और इधर आएगा, अपन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे जाके। क्या कहीं किया है मैंने ऐसा? हाँ शायद यही किया है, शायद इसी जगह 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई जब अपन कर देंगे तो फिर इधर का दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये रख लेना। सर्कुलर इसका भी ये 2 नहीं है, सॉरी, ठीक है ये 2 नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डीए लैम्डा डीए से अपन ने इस साइड का क्यू निकाल लिया। ठीक है, कॉस थीटा से अपन ने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, और जेड स्क्वायर एस स्क्वायर यही है लेंथ, बाकी के जो होता है। ठीक है, तो ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से। अब अपन जैसे थीटा वेरी करेंगे, ठीक है, तो ऐसे अपने पास आ जाएगा घूम के पूरा डिस्क का। डेरिवेशन है भाई, देख लेना सिंपल है। इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड वेक्टर सबको पता है, दे नेवर कोइंसाइड विद ईच अदर, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और प्लस वाली छोड़ता है, माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्ब करता है। ए माइनस वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, कुछ नहीं बोला मैंने। हाँ गॉस तो सबको पता है भाई, ई डॉट डी एस, ds ये मतलब एरिया वेक्टर है, इज इक्वल टू q enclosed in, लिखना भूल गया मैं। ठीक है, en सॉरी en अपॉन epsilon नॉट। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है ये भी सबको पता है, अपन ने सब 12th में सब पढ़ रखा था। तो ठीक है, इस तरह से अपन इसको डिफाइन करते हैं, और जो भी है कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, बाकी मेन चीज तो वैसे यहीं से स्टार्ट है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट। इसमें गॉस लॉ अपन जैसे लगा रहे हैं, इसमें देखते, सॉरी पहले ऊपर वाला। ठीक है, होलोस्फीयर है मेरे ख्याल से, इस पे चार्ज है। हाँ ये क्यू चार्ज है, मान लो फॉर एग्जांपल। तो अगर अपन अंदर देखेंगे, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो क्यू, मतलब जस्ट बिकॉज कोई अंदर चार्ज नहीं है तो इस वजह से क्यू इन जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड जीरो हो जाएगी। बाहर की साइड जो भी है क्यू ही है इसके अंदर, बाहर की साइड जो अपन ने लिया है, तो उस वजह से हो गया। हाँ ये रहा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश स्क्वायर, क्योंकि अपना मतलब एरिया वेक्टर अभी ये हो गया। अगर सरफेस पे बोलते तो इस r डैश की जगह कैपिटल r होता है ना। ठीक है, बाकी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब मैं बहुत गलती करता था 12th में, तो मैं बता देता हूँ ताकि कोई और ना करे। गॉस लॉ अपन ने लगाया, ठीक है, पहले इस अपन ने RHS लिख लिया भाई, डेल्टा इंटू a q हो गया इस रीजन में अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस साइड ना अपने को 2a लिखना है एरिया वेक्टर में, 2a वेक्टर क्यों लिख रहे हैं वजह से, क्योंकि जो चार्ज प्लेट है ये एक साइड से चार्ज नहीं है, ये ऊपर वाला रीजन अलग है और नीचे वाला रीजन अलग है, तो दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट हो रही है ना, इस वजह से अपन ने 2a लिखा है। इसीलिए जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ये थोड़ा सा कैपेसिटेंस कैसे वर्क करता है उसको एक तरह से ले सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि भाई दो प्लेट रख दी अगर, तो देखो ये प्लस चार्ज है, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा, ये माइनस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से गेन करेगा, यहाँ से गेन करेगा इसकी। अब देखो तुम अगर इस रिलेशन को ध्यान से देखो तो डिस्टेंस का कोई फैक्टर नहीं है, डिस्टेंस से कोई रिलेशन है ही नहीं, मतलब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देखूंगा ना यहाँ पर, तो भी ए अपॉन 2 पाइप 2 ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी, क्योंकि इनफाइनाइटली चार्ज मान रहे हैं अपन इसको, इनफाइनाइट बहुत बड़ी प्लेट है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी सेम ही रहेगी, तो इस वजह से अंदर पिछली बार भी करवाया था मैंने शायद क्या पता। तो बाहर की साइड कैंसिल हो जाएगी, इधर से इधर की साइड से भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस का कोई रिलेशन है नहीं इससे। अंदर की साइड इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी, और इसी तरह से कैपेसिटर वर्क करता है, इसलिए कैपेसिटर के बाहर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। कोई कुछ कह रहा है क्या? भाई इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी अपन गॉस लॉ लगा रहे हैं, गॉस लॉ लगा के देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है। ठीक है, अब अपन बेसिकली गॉस लॉ ना अपन पता ही होगा वैसे सबको, बट फिर भी बता देता हूँ। गॉस लॉ अपन इस तरह से लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई
तो अपन गॉस लॉ ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं कि सिमेट्रिकल एक एरिया अपन कवर कर लें, सिमेट्रिकल एक एरिया लें ऐसा, गॉस एरिया कैसा लें, गॉस सरफेस की एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो उस पूरे गॉसियन सरफेस पे, ठीक है, और मतलब एक सिमेट्री अपने को मिले बस, ऐसे कुछ भी उल्टा पुल्टा ऐसे 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 नहीं ले सकते क्योंकि फिर फालतू कैलकुलेशन बढ़ेगी जो हो रही नियम से, तो इसीलिए ई डॉट डी एस में किया, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ये किया, क्यू इनक्लोज्ड में लैम्डा इनटू एच है, लैम्डा इनटू एच समझ गए होगे क्यू, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट एरिया वेक्टर इस पूरे रीजन का, गॉसियन रीजन का 2 पाई आर इनटू एच, आर इसमें एच एस है तो ठीक है, ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, हाँ नहीं, तो ठीक है। और तरीका इसका दूसरा भाई, अगर किसी को आसान नहीं करना है, किसी को ज्यादा ही विश्वास स्तर की बातें माननी है, तो भाई तुम इंटीग्रेट कर लो, एक काम करो इस एरिया वेक्टर को, ठीक है, अपने को पता है कि जब अपन सिलेंड्रिकल रीजन की बात करते हैं तो अपन इसमें कॉन्स्टेंट क्या रख रखा है, जेड नहीं है इसमें, अपन ने कॉन्स्टेंट वो रखा है रेडियस, सॉरी, तो एस डी फाइव डीजेड हो जाएगा इसका, बेसिकली इसको अपन लिखेंगे डी ए आर, यहाँ पे डी ए आर, समझ जाना यार अब, ठीक है, डी ए आर है बेसिकली ये चीज, तो डी ए आर अपन ने लिखी, इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, एच लिमिट लगा दी जेड पे, फाइव पे लिमिट लगा दी टू पाई, एस अपना कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा ऐसा बनेगा, फिर ऐसा ऐसा बनेगा, ये सेम चीज आ जाएगी, मतलब जिसको मैथ्स अच्छे लगते हो कर लेना है, बाकी चार्ज सॉलिड स्फीयर में चार्ज क्यू, ठीक है भाई, ये भी पता है सबको, बाहर की साइड अगर निकालेंगे तो पता है कि मतलब इस गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर बैठ जाएगा इस गॉसियन सरफेस पे, तो अपने को अंदर से क्यू चार्ज दिखेगा, अपने को नहीं दिखेगा कि कहाँ है, कितना क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू अंदर है बस, इतनी सी बात है, क्यू चार्ज अंदर है, एप्सिलॉन नॉट ये है, ठीक है, एरिया वेक्टर इसमें है आर डैश, फोर पाई आर डैश स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर, सॉरी थोड़ी राइटिंग खराब है, बाकी अंदर की बात करें, मान ले इस एरिया की बात कर रहे हैं बगैर अपन इस एरिया की, तो अब एक्चुअली क्या है ना, ये सॉलिड स्फीयर है तो पूरा क्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर, अपने को नहीं पता कि इसके अंदर कितना है, वो कैसे पता लगा है ये क्यू इनक्लोज कैसे पता लगा है, तो उसके लिए अपन ने क्या किया कि जो अपन वो करते थे यूनिटरी मेथड सेकंड क्लास में, क्यू अपॉन फोर पाई आर क्यू, मतलब अपने देख लिया कि एलिमेंट्री एरिया में कितना चार्ज है, ठीक है, और अपने को पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये लिखा है यूनिफॉर्मली, तो एलिमेंट्री एरिया में इतना है, तो q अपॉन फोर पाई आर क्यूब, ये है एक एलिमेंट्री एरिया में चार्ज, और उसको अपने 4 पाई r क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, जो छोटा r है, ये जो छोटा r है, है ना, तो अपने को पता चल गया कि इस एरिया में कितना होगा, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट किया, एरिया वेक्टर अपने को पता है 4 पाई, हाँ ये रहा 4 पाई r स्क्वायर, पता ही है, गॉस लॉ लगाया, ये आ जाएगा रिलेशन, ठीक है, बाकी अब अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एक्चुअली वेरी कर रही है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज था अपन ने जो ऊपर देखा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, इसमें वेरी कर रही है 1/r² से, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² से, तो फर्स्ट सरफेस पे देखना है, फर्स्ट अच्छा ये फर्स्ट है, चार्ज कहाँ पर है एक बार मेरे को देखने दो, अच्छा कूल, जितना चार्ज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब R is equals to A से लेकर R is equals to B तक, तो मतलब इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट सरफेस में अगर देखेंगे तो E1 जीरो हो जाएगा, है ना, E2 देख रहे हैं, E2 अपन किसी भी रैंडम सरफेस पे देख रहे हैं जो R रेडियस दूर है, तो E अपॉन 4 पाई R स्क्वायर यहां तक, ठीक है, ठीक है, अब अपन देखना चाह रहे हैं कि भाई किसी भी वो क्यों निकालना है अपने को, क्यों इनक्लोज्ड, तो अपन ने किया इसको ये रो इनटू बीटा, रो मतलब ठीक है ना, समझ गए ना, ऊपर अपन ने देखा था यहां कि वॉल्यूम एलिमेंट के लिए आ गया, समझ गए होगे, ये रहा वॉल्यूम एलिमेंट के लिए अपने को अगर डी क्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो अपन ने इनटू डी टाउ क्या, डी टाउ अपन ने वहां से उठाया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो डी टाउ होता है वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और ये डी जेड है शायद, हाँ जो भी है दिख ही रहा होगा, तो ए से लेकर आर तक, अच्छा हाँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ए से स्टार्ट हो रही है, ए अपना चार्ज जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वी कैन नॉट टेक दिस जीरो, वी आर टेकिंग दिस एज ए, तो ए से लेकर आर तक अपन ने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, जो भी आया पहले तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है, फिर
फिर एक आर बाहर आया होगा है ना, फिर अब बेसिकली एक्चुअली थीटा फाई और डीजेड में जेड में कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो मतलब अपन इंडिविजुअली भी इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं तो यूजुअली ऐसा होता है कि मतलब मान ले अगर अंदर का कोई इंटीग्रेशन आया और अगर उसमें मान ले थीटा का कोई फैक्टर है जो इंटीग्रेट होकर आया उसमें, फिर अपने को फिर अलग से एक एक करके करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक बार देख लेना, मतलब मेडिसिन के पहले अपने को वैसे पढ़ाया था ये, तो भाई मेन तो वैसे अभी से शुरू हुआ है ये, मतलब ये तो इतना था कि अपने को मेडिसिन के पहले तक था, यहाँ से बेसिकली मेन शुरू हुआ है अपना मेडिसिन के बाद का। तो इनफैक्ट ये भी नहीं यार, ये भी मेडिसिन के पहले का ही था। हाँ तो इसमें एक सेकेंड, भाई ये सब तो देख वैसे मैं बकवास ही मानता हूँ, ये तो सर ने बस लिखवाया था, मैं प्रेफर करूंगा मत ही देखो, मैं मेरा ही बता देता हूँ जो मैंने लिखा था खुद से। ठीक है, सीधी सी बात है, किसी भी जगह तक का अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सीधा पोटेंशियल चाहिए, तो V इज इक्वल्स टू होता है माइनस ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, माइनस ई अरे लिख जा डॉट डी एल का इंटीग्रेशन। ठीक है सॉरी, तो ई डॉट डी एल का जैसे इंटीग्रेशन है, तो ये अपन ने किया फ्रॉम ए टू एनी आर पॉइंट, ठीक है एनी एनीवेयर। ठीक है, अब जैसे अपन वी भी लिख रहे हैं फ्रॉम ए, तो अपन उसको ऐसे लिखेंगे लिमिट्स होगी ए से लेके बी तक माइनस ई डॉट डी एल, अगर ए लिख रहे हैं और फ्रॉम पॉइंट ए लिख रहे हैं तो वी ए बड़े से लेके छोटा ए तक अपने लिमिट होगी, और अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कुछ नहीं है, इन्होंने दो फॉर्मूले लिखे हैं और फिर इसको ऐसे रिलेशन में लिख दिया है, कैलकुलेशन तो मैं कैसे बताऊं। ठीक है, ए से लेके बी और ए से लेके ए, इन्होंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा अंदर की साइड। ठीक है, और बाकी इसकी एक्चुअली लिमिट चेंज कर दी इन्होंने, छोटे ए से बड़ा ए कर दिया है ना, तो लिमिट चेंज कर दी तो माइनस साइन आ गया, वो माइनस बाहर आ गया। अब इसको ऐसे देखो, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, अपन इंटीग्रेशन पढ़ा है कि मतलब यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां, तो अपन उसको लिख सकते हैं ए से लेके बी ऑल इन ऑल, तो ए से लेके बी हो गया, माइनस बाहर रह गया, अपन ने प्रूव कर दिया कि भाई किसी भी पॉइंट का वी बी माइनस वी अगर निकालना है तो ए से लेके बी तक लिमिट डाली, माइनस ई डॉट डी एल कर दिया इसको। ये तो रट ही लेना भाई, ये रट लेना कि इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस ई को लिखते हैं डेल वी, ये वाली चीज भयंकर रट लेना है, बहुत काम आने वाली है, बस जानी चाहिए। तो हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है पता है ये, इन्फिनिटी पॉइंट वी इन्फिनिटी पे जीरो लेते हैं पता है, क्योंकि मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो अगर किसी को नहीं याद रहता है, तो के क्यू बाई आर होता है, आर इन्फिनिटी डाल के देख लो जीरो हो जाएगी भी अपने आप। ठीक है, बाकी ये रफ वर्क है, सॉरी, तो वर्क डन इन बेंडिंग चार्ज फ्रॉम ए टू पी। हाँ ठीक है, अच्छा एक रिलेशन है जो मैंने लिखा होगा कहीं, नहीं कहीं, कहाँ है, एक सेकेंड सॉरी, ये भाई रट लो, मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ रट ही लो उसको, वैसे तो पता ही होगा सबको, बट ये ध्यान रखना हमेशा, ये ऐसे फॉर्मूले मतलब एक ही जगह पे सारे लिखे हुए, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू, और अपने को हमेशा अपने मैकेनिक्स में पढ़ा है कि भाई जब भी फील्ड कंजर्वेटिव होती है तो डेल्टा यू को डिफाइन ऐसा किया गया है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, तो कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, यही इसकी डेफिनेशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो डेल्टा यू अपॉन क्यू इज माइनस डेल्टा डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू। ध्यान रखना, अगर कोई बोले कि कितना वर्क लगेगा करने में तो अपने को ये निकालना है, और अगर ऐसा कहीं है कि इतना वर्क हो चुका है तो मतलब ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर रहा है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत गलती होती है, तो मेरे से तो होती थी, तो इसीलिए ध्यान रखना इसको। ठीक है, बाकी वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम ए टू पी बेसिकली पूछ रहा है कि पॉजिटिव और बता दो भाई, देख अगर तेरे को मैं बोलूं कि अगर मैं तुझे बोलूं, एक सेकंड रुक जा, मैं बोलूं कि अगर तुझे मैं बोलूं कि अगर एक चार्ज उठा तो इलेक्ट्रिक किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज उठा और इस चार्ज को उठा के यहां से लेके यहां तक पटक दे,
तो उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो वो जो है वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कहलाएगा, ठीक है। और उसको तू बेसिकली लिखेगा डेल्टा वी इनटू क्यू, या लिखेगा डेल्टा यू अपॉन क्यू। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि तूने चार्ज बस छोड़ दिया और जो काम कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर रही है खुद से, वो अगर मैं बोलूँ तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे तू बॉल गिराता है जब, मतलब अपने आप जमीन पे बॉल छोड़ देता है ऊपर हवा में, अपने आप गिरती है ना वो, तो ये वर्क डन तू नहीं कर रहा है, ये ग्रेविटी कर रही है, इसमें तेरा कोई काम नहीं है। बट मैं अगर तेरे को बोलूँ कि बॉल नीचे है और इसको उठा के ऊपर लेकर जा, तो लेकर जा क्योंकि बॉल तो जाएगी नहीं, तो उस केस में फिर तेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, वो फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो जाएगा। खैर ये बहुत ज्यादा अलग चीज है, मतलब काफी आगे जा चुके। हाँ यार ये पढ़ लो, ये मैंने एक्चुअली मेरे पास 12th क्लास में सिंगल्स थी तो वहां से मैंने उठाया है, ये सब पढ़ लो। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। हाँ अपने को पता है मतलब कि बेसिकली रिलेशन क्या होता है, डीवी बाय डीआर माइनस डीवी बाय डीआर इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो ऑब्वियसली देख लो, मतलब अगर वी बढ़ता जाएगा तो ई विथ डिस्टेंस कम ही होता जाएगा और वाइस वर्सा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ वी एंड वी बी आर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी देन वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, देख इसकी बात कर रहा था मैं, फ्रॉम ए टू बी इज दिस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, डेल्टा वी इंटू क्यू जैसा अपन ने अभी ऊपर देखा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू होगा, देखो माइनस ऑफ डेल्टा यू कहाँ गया ये रहा, ठीक है। बाकी सही है सब, बढ़िया है ना, देख लेना एक बार नोट्स में। कहाँ थे अपन, इसलिए गए थे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल से ही, ठीक है भाई, क्यू चार्ज ए से लेकर पी तक लेकर आए अपन, तो अपना अभी अपन नेगेटिव नहीं लेंगे। अच्छा फोर्स अप्लाइड डॉट डीएल किया, हाँ जैसे अपन करते आ रहे हैं, ठीक है। फोर्स क्यू इंटू ई होता है, एलिमेंट्स अपन ने ऑपोजिट कर दी इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके अपन ने इंटीग्रेट कर लिया, वर्क डन आ गया, बेसिकली वही किया है यार, प्रूफ ही किया एक तरह से, इसको डायरेक्ट ये लगा लेते इतनी मेहनत करने की जगह, डायरेक्ट यही लगा लेते कि भाई आर डिस्टेंस दूर लाने के लिए ए से लेकर आर तक लाने के लिए कितना वर्क डन है, तो माइनस ई डॉट डीएल होगा। बाकी अच्छा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर अगर मान ले डीवी जीरो हो गया अपना मान ले, ठीक है, कहीं पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गई, या एक सेकंड को पढ़ने दो, मेरे को याद नहीं है मिडसम के पहले कहने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली हाँ, हाँ नहीं कुछ और डैश का अच्छे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर अपन धीरे धीरे आ रहे हैं, मतलब मिड सेम के बाहर के बात के, मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैट डिवाइड हो गया था ना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा पहले से कर ले स्टार्ट। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को निकालना है यूनिफॉर्मली हॉलो चार्ज स्फीयर का, V इन्फिनिटी जीरो मानते हैं, इन्फिनिटी से लेकर R पॉइंट तक अगर अपन लेकर आए, तो इन्फिनिटी से R माइनस ई डॉट डीएल किया, ये हो गया, इंटीग्रेट किया, ठीक है, माइनस माइनस साइन आएगा ना आर वन अपॉन आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस वन बाई आर आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आर से इन्फिनिटी डाली, इन्फिनिटी पे जीरो होता है, के क्यू बाई आर आ गया, ये के के है, ठीक है, लिखा है वैलिड फॉर आर से लेके इन्फिनिटी तक। और इंक्लोज्ड इंक्लोज्ड में भाई ये कह सकते हैं अपन कि इन्फिनिटी से लेकर आर तक लाए और इस मतलब इन्फिनिटी से लेके आर तक लाए और इस आर से लेके छोटे आर तक लेकर गए जहां अपन निकाल रहे हैं, है ना, और माइनस माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो इसको ऐसे लिख दिया। ये अपने को पता है कि भाई बड़े आर से लेकर छोटे आर तक जीरो रहेगा क्योंकि क्यू नहीं है, ठीक है, क्यू नहीं, हाँ अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि क्यू चार्ज नहीं है, है ना, बाकी बाहर की साइड का
वही रहेगा जो यहाँ रहा था या यहाँ रहा था या यहाँ रहा था, है ना, मतलब बस आर पे डिपेंड करता है, छोटे आर पे डिपेंड करता है, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी। तो इसी में बड़ा आर पुट कर दो तो आ जाएगा मतलब, ठीक है। इसका कहने का मतलब मेन ये है कि अगर स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट ले उसका पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि जो पोटेंशियल लग रहा है कोई भी पॉइंट में वो इनफिनिटी से कैपिटल आर तक ही लग रहा है, उसके बाद अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए अंदर हिलाने में कोई और एनर्जी नहीं लग रही है। ठीक है, बाकी जो मैंने बताया ना वही, मतलब मैंने एक बुक वो वही सिंगेट से मैंने उठा के, इसलिए मेरे को स्कैनिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि मैं इधर उधर से भी उठा रहा था चीजें, तो वही है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ये होगी, बट ये एक्सटर्नल वर्क डन है ना, देख लेना इसको भी। बाकी नीचे भाई मत फिर कोई ऐसा नहीं, अर्जेंसी मैंने तो बस ऐसे उठा के डाल दी थी कि किसी को जस्ट इन केस मेरे नोट्स नहीं समझ में आए तो यहाँ से पढ़ लेगा, ऐसा जगह नोट्स बनाए थोड़े भाई कंसेप्ट सारे एक्सप्लेन कर देना, बाकी एग्जांपल्स तो देख लेंगे। एग्जाम तो बेटा क्या होगा किसी को नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता। हाँ भाई कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्यान से पढ़ लो बहुत काम आएगी, अभी आगे काम आएगी आज ही। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, सबको पता है कैसे हो जाता है ये, उसका ऐसा सीन है कुछ कि मान लो को इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाई है इधर की साइड, ये दिख रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है मैंने, तो अभी इस सेंसर कंडक्टर के अंदर चार्ज है क्योंकि मेटल है ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो मतलब ऑब्वियसली इस साइड जाएंगे, इस साइड भागेंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागते हैं तो इधर भाग जाएंगे, तो इधर इधर एक डेल्टा पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और एक साइड डेल्टा नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। अब होगा क्या बेसिकली कि इंड्यूस हो गए इस वजह से प्लस जीरो माइनस के सारे अंदर भी एक कंडक्टर के अंदर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी ना जो इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से बन रही है, तो वो ई इंटरनल ऐसी इंड्यूस हो जाएगी। अब कंडक्टर इस तरह से अपने चार्जेस को इधर उधर भेजता है, ये इसकी प्रॉपर्टी ही होती है कि जो एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है एग्जैक्टली उसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड होता है, इसका एग्जैक्टली उसी मैग्नीट्यूड का होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाती है, और अंदर की अगर मैं बोलूं कि ई नेट क्या है, अंदर ई नेट, तो ई नेट हो जाता है जीरो, ठीक है, मतलब ठीक है समझ जाना, तो ई नेट जीरो हो जाएगा यहाँ पे। बाकी ये अभी अपन ने ऊपर ही पढ़ा था, ये चीज नहीं पढ़ी क्या, शायद नीचे आएगी, आनी चाहिए चीज, ठीक है। तो ये चीज एक बार ध्यान में रख लो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई अपनी तो अपन ये कह सकते हैं कि अपना रो जो है वो जीरो है, ये अपन ने ऊपर ही अभी प्रूफ किया था रिलेशन ये, ठीक है, एक्सप्लेन कर यार क्या ये चीज। हाँ ये मतलब इसका मतलब क्या है एक बार भाई, ये डेल डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो पर एप्सिलॉन नॉट, एक सेकंड में ऊपर बता देता हूं। रो मतलब किस चीज का रो, रो मतलब चार्ज अपना चार्ज डेंसिटी। कोई भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई भी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, पेज आ रहे क्या, शायद यही कहीं था, ये आई थोड़ी ना अभी तक, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। नहीं नहीं आई है, ऊपर आई है ये, या ये जगह जब मैं जब अपन वो देख रहे थे ना गॉस्पेल जब प्रूफ कर रहे थे इधर, तो उस केस में अपन ने कह दिया था कि भाई ई डॉट डी एस क्यू इनफ्यूज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इन्होंने बेसिकली वो अपना लॉ ऑफ वो है ना कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस फंडामेंटल लॉ ऑफ डाइवर्जेंस, उसमें अपना रूल क्या होता है, अपन करते हैं किसी भी सर्फेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का अपना फॉर्मूला होता है वो, तो उन्होंने सर्फेस इंटीग्रल ई डॉट डी ओ को वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब अगर इसके आगे x होता मान लें x dot d है, तो उसको यहाँ लिख देते del dot x d tau, तो अपन ने बस कन्वर्ट किया है, और इसको भी अपन ने ऐसे लिखा है, ये तो पता ही सबको रो d tau हटा दिया, इंटीग्रेशन मतलब तीन बार डिफरेंशिएट कर दिया, d tau हटा दिया, तो ये रिलेशन आया है, मतलब ये रटना ही है, मर मर के रट लो उसको, मतलब रात को 4 बजे को उठा के पूछ लो तो बता देना, ऐसा रटना है इसको क्योंकि बहुत काम आएगा अभी आगे, मुझे तो बहुत बार दिखा मतलब कहाँ थे, काफी आगे आगे शायद, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। बाकी
ये चीज है कि हाँ भाई अगर किसी अपन ने भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, डीवी माइनस ई डॉट डीएल होता है, डीवी जीरो हो गया, डीवी जीरो हो गया, इसका मतलब ये है कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल ही जीरो है, ठीक है, इसका मतलब नो चेंज इन द पोटेंशियल इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये मेरा मेटल है और यहाँ अगर 10 वोल्ट है तो इधर भी 10 वोल्ट ही मिलेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब जीरो है, समझ रहे ना, डीवी का मतलब समझते हो गए सब लोग, तो डीवी मतलब पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ठीक है, इस पर थोड़ा इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। बाकी किसी भी कंडक्टर पे गॉस लॉ लगा दो, तो अब ये ऐसी कोई रैंडम कंडक्टर है, इस पर गॉस लॉ लगा दिया, ये ऊपर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अच्छा, अपन ने पहले देखा था कि एक चार्ज प्लेट है, उस पर अपन ने भी ऐसे एक सिलेंडर बनाया था, है ना, और अपन ने फिर जब अपन देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक कहा था मैंने, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, ठीक है, बट वो कंडक्टर नहीं था, वो बस एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट थी, है ना, ये एक कंडक्टर है और अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी, इसलिए मैंने एरो बना के काटे यहाँ पे, ये काटे मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ जाएगी बाहर की साइड, तो ए डॉट ए, यहाँ पे टू ए नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा, ई आ जाएगा, किसी भी कंडक्टर का ये होता है, ठीक है, जिसमें ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। बाकी भाई ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब और अगर किसी ने यहाँ से जो शुरू हो रहा है और अगर किसी ने वो मेकअप एग्जाम दी होगी तो उसके तो पेपर में बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आए थे यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन बस इतना सा है कि भाई ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर एक हॉलो कैविटी है, कैविटी है, खोखला है, इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है अपन ने, अब अपने को बताना है, क्या बताना है इसमें बेसिकली, इसका मतलब प्लस क्यू चार्ज कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा, पर अपने को तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए क्योंकि जीरो होती है, तो वो क्यों जीरो हुई होगी ये अपन सोचना चाह रहे हैं, तो अपन ने फिर रिज्यूम किया है कि भाई सरफेस पे एक माइनस क्यू चार्ज होगा जो इस चार्ज को और इस चार्ज को कैंसिल कर रहा होगा, फिर सोचेंगे कि भाई प्लस क्यू यहाँ था माइनस क्यू यहाँ था, अब मतलब इसने तो इसको कैंसिल कर दिया, पर ये तो अपन ने माना है ना, तो इसको भी तो कोई कैंसिल कर रहा होगा, तो फिर अपन उसको मानते हैं कि भाई सर इस बड़े स्फीयर के सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा होगा, कहाँ से वो आया अभी अपन देख रहे हैं कि भाई ये इंड्यूस हो भी रहा है या कि नहीं, ठीक है, तो उसको अपन ऐसे किया, इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ इस जगह की, ई डॉट डी ए इस क्यू इनक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज अपन ने माना है, अपन इस सरफेस को लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो अपन मान के चल रहे हैं कि भाई कुछ तो इंड्यूस हुआ होगा सरफेस पे x जो इसको कैंसिल कर रहा है, कितना हुआ होगा क्या पता, ठीक है, तो प्लस क्यू प्लस एक्स अपन एप्सिलॉन नॉट, x मैंने एक ऐसी रैंडम चार्ज माना है, ठीक है, तो अब अपन ने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी, तो x जो हो गया माइनस क्यू हो गया, बस द कंडक्टर वॉज न्यूट्रल इन द बिगनिंग। अच्छा, और ये अच्छा, ओके ओके ओके, तो अपने को ये पता चल गया कि इस ये जो कैविटी है इसके सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, अपन ने यहाँ से प्रूव कर लिया, ठीक है। अब अपने को ये पता है कि जो कंडक्टर था ये तो न्यूट्रल था ना, इस पे तो कभी चार्ज था नहीं, ये बाहर वाला जो था चार्ज तो अंदर कैविटी में था, तो अब ये न्यूट्रल है और इसमें से चार्ज निकल के माइनस क्यू यहाँ चला गया, तो बाकी कहाँ गया, तो जो जो भी इसका पेयर्ड था प्लस चार्ज वो इस सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इसलिए सरफेस पे रहता है अंदर, इसलिए कभी नहीं रहता चार्ज इंड्यूस्ड, ठीक है। बाकी अरे एक चीज बता, ये जो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा ये कैविटी के आउटर सरफेस पे होगा या इनर सरफेस पे होगा? भाई कैविटी के आउटर सरफेस पे होगा, यार इनर सरफेस आउटर सरफेस वैसे तो कुछ नहीं होता है, मतलब एक्चुअली वो शेल शेल में होता है पता है, क्योंकि ये तो ये लेयर एक ही है ना, इसमें ऊपर और बाहर क्या फर्क पड़ता है, अगर शेल में बोलूं, शेल मतलब ऐसा होता है और वो ऐसा होता है, ठीक है, तो ये खोखला होता है, तो इसमें इनर आउटर की बात अलग हो सकती है ना, शेल ही है ना, यहाँ सिर्फ कैविटी ऐसी दी, इसलिए जेई में ये माइनस क्यू अंदर की तरफ था, याद है। बाकी फैराडे केज एक एप्लीकेशन है, फैराडे केज तुमने देखा है क्या वैसे कभी? मतलब फैराडे केज एक्चुअली वो एक होता है आज, मतलब ऐसे मैंने डिस्कवरी पे कभी देखा था, मतलब एक रूम था ऐसा बहुत बड़ा था, उसमें एक आदमी खड़ा था, है ना, और उसने मेटल की एक चेन पहन रखी थी, मतलब जिस चेन से वो कैदियों को ले जाते ना, वैसे एक उसमें पूरी चेन पहन रखी थी ऐसी पूरी फुल बॉडी पे,
और यहाँ से इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा था उसपे, भयंकर, मतलब समझ लो 2000 वोल्ट जितना इलेक्ट्रिक स्पार्क इसके ऊपर हो रहा था, और ये इसको पहन के डांस कर रहा था अंदर, और उसको कुछ नहीं हो रहा था। उसका रीजन यही है, फैराडे केज का ही एप्लीकेशन है, उसी को फैराडे केज बोलते हैं, कि मेटल के अंदर अंदर कभी भी क्लोज मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकती। तो तुम इसके मतलब इसके ऊपर 2000 वोल्ट फेंको या 10 वोल्ट फेंको, इसको करंट कभी लगेगा ही नहीं। इस वजह से ये देखो मैंने लिखा है ना कि ए डॉट डी हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि अंदर चार्ज ही रहता मेटल के, तो इसको जितना भी चार्ज दे रहे थे चेन में वो उसको अंदर फील ही नहीं हो रहा था, इस वजह से उसको करंट नहीं लग रहा था बंदे को। मतलब एक एप्लीकेशन है ऐसी मैंने देखी थी, तो मैंने बता दी भाई कैविटी के अंदर नहीं हो सकता क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कैविटी मेटल के अंदर कैविटी नहीं, नहीं फैराडे केज में जो बंदा खड़ा होगा वो कैविटी में तो खड़ा होगा। हां तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट होगी क्या? नहीं होगी ना, पोटेंशियल तो होगा ही ना, पोटेंशियल अंदर जीरो कैसे होगा बाहर से, तो अगर ग्राउंड कर देगा अंदर वाली कैविटी को तो जरूर कह सकते हैं कि भाई हाँ पोटेंशियल जीरो हो गया। तो ये भाई वाला क्वेश्चन था ना जिसमें मैं कभी एग्जाम दिया उसको पता होगा ये वाला क्वेश्चन आया था, पूरा एग्जैक्ट सेम आया था, एग्जैक्ट सेम, आखिरी का पार्ट डिफरेंट था, आखिरी पार्ट में थोड़ा सा आखिरी पार्ट में ग्राउंड राउंड करना था। अरे ठीक है कोई नहीं, तो भाई मेरी फटी थी ना, मैं बता रहा हूं इसीलिए। तो अभी इसमें मतलब शेल है ये, ठीक है, अब यार ये डायग्राम थोड़ा सा मुझसे गलत बन गया था, मेरी हिम्मत नहीं वापस बनाने की। तो इन्होंने बेसिकली पूछा है कि भाई बाहर वाले शेल पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, तो अपने को पता है कि भाई एक्चुअली चार्ज यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है अंदर की साइड, इधर इधर इस स्फीयर में दे रखा है, ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर है भरा हुआ एकदम, स्फीयर है क्या, वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ मैं, क्लियर ही कर देता हूँ थोड़ा सा, ये बेसिकली एक स्फीयर है पूरा भरा हुआ, ये खोखला है इतना पार्ट, ठीक है, और ये शेल है, शेल शेल ऐसा, इसमें इतना भरा हुआ है, ये बाकी एक खोखला पार्ट है, ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक a माइनस r, हाँ ऐसा कुछ है। तो बेसिकली ये पूछा है कि भाई इस शेल में हाँ, तो अब कंडक्टर है ये भी अंदर, तो क्यू चार्ज इस स्फीयर पे है, इस ये जो मैंने लाल से मार्क कर रखा है इस पे है, तो भाई अंदर की साइड इस वाले ये जो साइड है इसमें माइनस क्यू होगा इंड्यूस, है ना, जैसा अपन ने भी देखा इसमें माइनस क्यू हुआ तो इस पे प्लस क्यू हो जाएगा इंड्यूस, चल रहा है भाई ऐसी काम। अब अपन ने देखा कि भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, अपन ने सिर्फ अब अपन सिर्फ इस सरफेस की बात करें ना, तो अंदर से कोई रिलेशन है नहीं वैसे, अगर और रिलेशन ले भी लेंगे तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू को कैंसिल कर देगा, क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू अपन 4 पाई आर स्क्वायर, आर ये बड़ा वाला रेडियस है, नहीं शायद मैंने इसका बता दिया, सॉरी इसका बता दिया मैंने, ठीक है। और बाकी ए की बात करेंगे तो ए में बेसिकली माइनस क्यू होना चाहिए वैसे यहाँ पे, बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फिर सही लिखा है ना। बाकी स्फीयर की बात करेंगे छोटे वाले स्फीयर की, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बताना है, पोटेंशियल एट द सेंटर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूँ उसमें ताकि किसी कोई गलती ना करें, ठीक है, मैंने क्योंकि 3 घंटे खराब किए थे कल रात इस पे, तो थोड़ा सा समझा मैंने ऐसा हूँ कि जैसे जब भी अपन अंदर की साइड अपन जैसे अपन सेंटर पे पोटेंशियल निकाल रहे ना, अपने को पता है कि कोई भी कंडक्टर ऐसा होता है, मान ले ये कंडक्टर है कोई भी, ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, मतलब इक्वल पोटेंशियल होगा। तो मान लो जो वोल्टेज अगर वी नॉट है यहाँ पे कुछ, तो अंदर की साइड इस पॉइंट पे, 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 कोई भी पॉइंट उठा लो सब पे वी नॉट होगा, है ना। तो सिमिलरली अपन जैसे देख रहे हैं सेंटर, ये वी ओ, ये मैंने ओ लिखा है, ठीक है, वी नॉट नहीं है तो ओ है, अपने को ओ पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल अपन निकालेंगे भाई, देखो चार्ज यहाँ पे भी इंड्यूस्ड है, यहाँ पे भी इंड्यूस्ड है, यहाँ पे भी इंड्यूस्ड है, यहाँ तो पर्सी था, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल सबकी वजह से आ रहा है। अब कितना आ रहा है ये पता लगाना है, ठीक है। अपन ने पहले देखा भाई अंदर वाले शेल को, अंदर वाले शेल अपन ने देखा इस वाले सरफेस पे, इस ये जो सॉरी शेल नहीं है स्फीयर है, इस वाले स्फीयर पे यहाँ इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, KQ by R,
तो वही पोटेंशियल अंदर भी होगा सेंटर पे, तो ये लिख दिया है ना। अब इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, इस पॉइंट, इस शेल के इस सरफेस पे, सिर्फ इस वाले सरफेस पे क्या है पोटेंशियल, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई ए है ना। तो वो भी कुछ, अगर इसके ऊपर माइनस के क्यू बाई ए है तो यहाँ पर भी माइनस के क्यू बाई होगा, यहाँ पर भी होगा, इस जगह पे भी होगा। तो इसकी वजह से क्या रहा माइनस के क्यू बाई ए, और इसकी वजह से क्या रहा प्लस के क्यू बाई बी। तो ऐसे अपने पास सेंटर पे आ गया पोटेंशियल, ठीक है। कई बार पूछते हैं कि भाई शेल पे बताओ, यहां बताओ, सेंटर पे नहीं जानना हमको, तो उस केस में क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना, डिफरेंस क्या दोनों में, उस केस में ये करेंगे कि जैसे इस जगह पे पूछा ना, तो अगर अपन इस जगह पे बैठ गए मान ले, और अपन सारे शेल को देख रहे हैं, तो जो बाहर वाला शेल है उस पर जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, के क्यू बाई बी, वही इस जगह पे भी होगा, इस जगह पे भी होगा, इस जगह पे भी होगा, और इस जगह पे भी होगा, तो माइनस, तो प्लस के क्यू बाई बी तो होगा ही होगा इसकी वजह से, के क्यू बाई बी। अब अपन देख रहे हैं, अब इस शेल पे बैठे हैं, अपन इस शेल पे बैठे हुए हैं, तो अपने को ये भी पता इस माइनस क्यू की वजह से भी होगा, ठीक है। लेकिन जब अपन बैठे हुए हैं तो अपने को ये जो है ना, ये ऐसा नहीं दिखेगा कि अंदर एक स्फीयर है और क्या हो रहा है, अपने को बस दिखेगा कि अंदर एक क्यू चार्ज है। जैसे अपन गॉस लॉ में देखते हैं, गॉस लॉ में मान लो ये कोई कंडक्टर स्फीयर है, इस पे क्यू चार्ज है, और अपना गॉसियन सरफेस इतना बड़ा, अपने मतलब नहीं अंदर कैसा शेप है, ट्राइंगल होता, स्क्वायर होता, पैरेललोग्राम होता, फर्क नहीं पड़ता। अगर क्यू चार्ज है तो अपन क्यू इनक्लोज क्यू लिखेंगे, खत्म, इतनी सी बात है ना, पता नहीं मैंने क्या बनाया। तो अपने को इस पे अपन बैठे हैं तो अंदर अपने को सिर्फ क्यू चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तो अपने इस क्यू चार्ज की वजह से लिखा, क्या लिखेंगे, KQ बाई अपने, अब अपने को तो पूरा दिख रहा है, बस एक चार्ज अंदर, तो इस सरफेस पे चार्ज की वजह से क्या होगा, KQ बाई A। और अब इसकी बात करें, इस चार्ज की बात करें, तो उसको अपन लिखेंगे माइनस KQ बाई A। तो ऑल इन ऑल बस इतनी सी बात है कि ये कैंसिल हो जाएगा, बस यही टर्म बचेगा इस शेल पे, अगर पोटेंशियल की बात करें तो। वैसे भी देख सकते हैं कि भाई हाँ, इक्विवेलेंट चार्ज अंदर जीरो ही है एक तरह से, जो तो जो पोटेंशियल होगा वो बाहर वाले शेल की वजह से ही आएगा, जो कि ये है। तो मतलब ये है कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपन इस तरह से सोच सकते हैं। मतलब वैसे जिसका आंसर दिया था हमको, मतलब सर ने वो रॉन्ग था क्या, उसको सर ने 1/r - 1/-1/d दिया था। भाई वो क्वेश्चन अलग होगा, मतलब नहीं, सेम क्वेश्चन गलत दे रखा था वो सर ने लेक्चर में कराया ना, वो -1/b दे दिया था। हो सकता है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मेरे को नहीं पता वो क्वेश्चन क्या था, मेरे को याद नहीं। नहीं नहीं, ये तो लेक्चर वाले ना, तेरा जो तू कर रहा है अभी, सर ने लेक्चर में गलत करा रखा है। अच्छा हाँ, ये सर ने प्लस करा था इसको, मैंने इसको माइनस किया था, ये सर ने इसको प्लस भी कर रखा था लेक्चर में। नहीं नहीं, बी वाले को माइनस, सर ने -1/d किया था क्या पता, हो सकता है। हाँ, -1/d नहीं होगा, प्लस होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है। बाकी 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 ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत कराया सर ने कभी नहीं छोड़ी बिल्कुल। ये पूछा है कि भाई इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, माइनस क्यू ए बाय माइनस चार्ज, इधर प्लस क्यू है, चले वरना खत्म नहीं हो पाएगा, 11 बज गए, तूने अभी मिड टर्म के बाद चालू भी नहीं हुआ तो समझ रहा। हां ठीक है जल्दी करते हैं, सॉरी। तो प्लस क्यू साइड कर रहा है इस कैविटी के अंदर, तो माइनस क्यू इंड्यूस होगा इस पे, प्लस क्यू भी साइड कर रहा है इस कैविटी के अंदर, माइनस क्यू साइड होगा इधर। अब इधर माइनस क्यू है, इधर माइनस क्यू भी है, तो ओवरऑल इस पे इंड्यूस होगा प्लस क्यू है प्लस क्यू भी, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेना, अब इजी है तो बहुत ही। हाँ, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, भाई अब कनेक्शन थोड़ी है उससे, इसके आगे छोड़ दे, अब यहां से मिड टर्म की बात का शुरू कर दे, मुझे नहीं पता क्या एप्लीकेशन है, मुझे नहीं पता, बट कैसे निकालते हैं मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अगर ये कंडक्टर है, इसको अपने को पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जितना चार्ज होगा वो बाहर के सरफेस पे होगा, अपन ने कोई रैंडम सरफेस और वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो डेल्टा है, अपन ने कोई रैंडम सरफेस चूज कर लिया ए और बी, ठीक है, एकदम पास है, एकदम चिपके हुए हैं बिल्कुल सरफेस से, कोई भी ऐसे ना, अब एकदम कंडक्टर के जस्ट अंदर जस्ट बाहर, जस्ट अंदर वाले पॉइंट पे ए निकालेंगे जीरो आएगा, जस्ट बाहर वाले पॉइंट पे अपन निकालेंगे ए आएगा, डेल्टा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अपन ने अभी ऊपर देख लिया था, ठीक है। तो
अब अपन हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक क्रिएट कर रहे हैं, उसमें अपन क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो थोड़ा सा टुकड़ा है, ये इतना सा, इसको अपने तोड़ के बाहर ले लिया, पॉइंट तो वही है, टुकड़ा बाहर ले लिया। अब अपन देखेंगे तो अभी कंडक्टर नहीं बचा ना, ठीक है, तो इस पे जो प्लस चार्ज है वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, और इधर भी भेज रहा है। अब डेल्टा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट इधर भेजा इसने, डेल्टा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट इधर भेजा, और ये भी एक डेल्टा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट इधर दे रहा है ना। अब अपन बात कर रहे हैं प्रेशर की, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपने को पता है क्यू ई होता है, और ए अपन ने निकाला है डेल्टा और एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में, ठीक है, तो बेसिकली इतना सा बात है कि मतलब थोड़ा सा तुम ऊपर नीचे करोगे कैलकुलेशन तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन आ जाता है, ठीक है, आ जाता है बस। अब यहाँ ये वाला मैंने एक्चुअली पेज थोड़ा ऊपर कर लिया था, ये बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी जगह की अपन जैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालने सिस्टम की जिसमें बहुत सारे चार्ज है, पहले देखेंगे कि भाई इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, कुछ नहीं था, मस्त बंदास घूमता हुआ आ गया है ना। अब अगर अपन इस Q2 चार्ज की बात करें तो अपने को पता है कि ये जो Q1 है ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है अपने आसपास आसपास आसपास, है ना, और इसकी वजह से एक पोटेंशियल भी है ना इस पॉइंट पे। ये Q2 अभी यहाँ नहीं था, एक ऐसा रैंडम पॉइंट है R12 डिस्टेंस पे, तो अपन ने Q2 उठाया इन्फिनिटी से और अपन उसको यहाँ ऐसे ऐसे करके लेकर आ गए, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या था के क्यू बाई आर वन टू, ठीक है, और अपने अभी अभी ये देखा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है क्यू इन टू वी, है ना, और अपन एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ कर नहीं रही, तो वी इंटू क्यू टू किया, ये अपने पास वर्क डन बाय वर्क डन टू ब्रिंग क्यू टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, है ना। अब ऐसे ही थर्ड आया, अब जब थर्ड आया तो अपने को पता था कि भाई इसकी वजह से पोटेंशियल होगा क्या होगा के क्यू अपॉन आर वन थ्री और Q2 मल्टीप्लाई हो गया उसमें, और K Q2 अपॉन R23 और Q3 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया, ये आ गया, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई U, ठीक है। बाकी हाँ ये एक थोड़ा सा अच्छा तरीका मैं बताऊं, अभी बताता हूँ रुको, ठीक है। अब अभी अपन जैसे ये चार्ज है, ठीक है, क्यू 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 क्यू, है ना, और इनको अपन ने कैसे स्क्वायर पर रख दिया, अपन ने ट्वेल्थ में किया है, तो सबसे पहले ही कराते, पहला क्वेश्चन कराते थे भाई क्या पोटेंशियल एनर्जी है। तो बेसिकली देखो दो तरीके होते हैं निकालने के, मैं ये फर्स्ट वाला प्रेफर करता हूँ, बाकी ठीक है, बाकी देखते हैं दूसरा भी। तो एक्चुअली क्या करना है इसमें, अपन ने देखा कि भाई अपन हर चार्ज पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी बाकी चार्जेस की वजह से है वो अपन ने निकाली। तो जैसे अगर अपन बात करें फर्स्ट नंबर के चार्ज की, तो फर्स्ट नंबर का चार्ज जैसे हो गया, तो इस पे क्या लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाई ए आ गया, इसकी वजह से क्या लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू है ये आ गया, और इस वाले चार्ज की वजह से क्या लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाय ए वापस से, ठीक है, ये इस पे लगा सिर्फ इस चार्ज की बात अपन ने की। अब अगर अपन इस चार्ज की बात करेंगे और इस चार्ज की बात करेंगे और इस चार्ज की बात करेंगे, सब पे सेम आएगा, तो अपन ने फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बेसिकली अपने पास अभी आई टोटल पोटेंशियल एनर्जी। पर ये गलत है, ये गलत क्यों है बताता हूं, क्योंकि जब अपन ने इसकी कैलकुलेट कर रहे थे तो इसकी निकाली, ठीक है, वन टू वन थ्री और वन फोर की निकाली, जब अपन टू की बात कर रहे थे तो अपन ने टू थ्री टू फोर और वापस वन टू की निकाली, दो बार निकाल ली ना, फिर जब अपन इसकी बात कर रहे थे तो अपन ने थ्री टू और थ्री फोर की निकाली, वापस थ्री टू की निकल गई जो पहले निकल चुकी थी, तो दो दो बार रिपीट हो गई। तो अपन बेसिकली क्या करेंगे, हर चार्ज के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, जो भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या आ रहा है, ऐड कर दो सबको पागल जैसे, ठीक है, ऐड कर दिया और टू से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अपने को पता है कि वो दो दो बार आई है, तो ये आंसर आ जाएगा एक्चुअल, ठीक है। अब दूसरा तरीका जिनको मैथ्स पसंद है उनके लिए, ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था। बेसिकली क्या है, अपने को दो चार्ज उठाने हैं और उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ये चार चार्ज है, इसमें से अपन ने दो उठाए, फोर सी टू, आंसर आ गया सिक्स, ठीक है। छह तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर वन वन थ्री फोर टू, ठीक है, वन और टू का निकालो, टू और थ्री का निकालो, थ्री और फोर का निकालो, फोर वन वन थ्री फोर टू, इन सब का निकालो, ऐड कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और आंसर यही आएगा। और ऊपर वाले तरीके में बेसिकली क्या हो रहा था, अपन निकाल रहे थे वन टू टू वन टू थ्री थ्री टू थ्री फोर फोर थ्री फोर वन वन फोर, तो ऐसे मतलब दो दो बार करके निकाल रहे थे, फिर अपन ने ऑल इन ऑल उसको करके टू से डिवाइड कर दिया, तो एक ही बात हो गई। तो जिसको अब ये तरीका अच्छा इसलिए नहीं कि मान ले दस चार्ज दे दिए गलती से, तो
तो वो ऐड करना अपने ज्यादा सही लगेगा रेदर देन 10 सी 2 से जो भी आंसर है उसको अपन ऐड क्या हो सकता है. तो बेसिकली सर ने इसी को फॉलो करने के लिए कहा है, उसका एक जनरल फॉर्मूला बता दिया कि भाई कोई भी क्यू वन क्यू आई क्यू जे ले लिया और अपन आर 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 आई आर जे कर लिया, टू से डिवाइड कर दिया, ठीक है आ गया आंसर पोटेंशियल एनर्जी का. अब ये तो अपन ने भाई एकदम पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे, अब मान लो अब तो अपन सरफेस में डील करने लगे आजकल, पता नहीं क्यों क्यों ऐसा करते हैं लोग, बट ठीक है. तो यू अपन इसको लिखेंगे 1/2 रो वी डीटा, बस ऐसा लिखते हैं. मुझे नहीं पता कहाँ से सर ने फॉर्मूला निकाला है, प्लीज मत पूछना, ऐसा लिखते हैं ठीक है. अच्छा मैं प्रेफर करूंगा जब भी तुम एग्जाम हो ना ये सारे नोट्स खोल लेना, कुछ भी करके जुगाड़ करके खोल ही लेना, मतलब बगल में वैसे तो खोल के रखोगे बट खोल लेना, नहीं लिखूंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेना एक पेपर पे क्योंकि याद नहीं रहने वाली. और ये तो अपन ऊपर देखा ही अभी, ठीक है इसको अपन ने इसमें कन्वर्ट कर लिया, रो को अपन ने बेसिकली डेल डॉट ई एप्सिलॉन नॉट में लिख दिया और बेसिकली ये यूज में आएगा ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा. फिर अपन ने पोटेंशियल चार्ज डेंसिटी निकाली जो अपन देखते थे कि मतलब एक एलिमेंट्री वॉल्यूम पे क्या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा किसी भी मतलब सरफेस पे नॉट ऑन पॉइंट चार्ज. तो अपन ने बेसिकली इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया. बहुत बहुत इसमें मगज मारी है, मतलब इसमें वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, मैंने लिखी नहीं, मेरे को आलस आ रहा था और वो कोई फायदा भी नहीं था लिख के. तो ये ऐसा ऐसा रिलेशन आया, ये जो होता है वो आखिरी में जाके जीरो हो जाता है, क्यों हो जाता है नहीं पता, ठीक है एप्सिलॉन अपॉन 2 ई स्क्वायर अपॉन डीटा ऐसा रिलेशन आ जाता है. ये अपन ने वैसे पढ़ रखा है 12th में. सुन वो जीरो इसलिए होता है मेरे हिसाब से कि सरफेस इंटीग्रल करते हैं अपन तो लाइन इंटीग्रल हो रहा है ना, ये सरफेस नहीं हो रहा है लाइन इंटीग्रल हो रहा है. छोड़ना क्या करना, वैसे भी कॉन्सेप्ट की सीढ़ी आती है जितनी आती है उतनी समझ लो. हाँ सोचेंगे एक्स्ट्रा दाया. हाँ बस इसमें भी वही निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. इसको फॉर्मूला अपन ने देख लिया ऊपर, इसको बेसिकली ये है लिखा है और मतलब इसको डाल दो इंटीग्रेट कर दो. स्फीयर है तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर आ जाएगा, ये डी टाउ लिखा है, ये डी टाउ लिखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर लिखा है. इंटीग्रेट किया आर से लेकर इन्फिनिटी तक, हाँ क्योंकि अपन इन्फिनिटी तक की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो कि इन्फिनिटी है, तो आर से लेकर इन्फिनिटी तक ये लिमिट आ जाएगी थी, ये आर की लिमिट थी, फाई की लिमिट जीरो से लेके टू पाई होगी, ये टू दिख नहीं रहा है सॉरी, ठीक है और बाकी मिट जा, बाकी थीटा की लिमिट जीरो से पाई होगी, इंटीग्रेट कर देने आंसर आ जाएगा. ये भी अपने को रटवाते ही है 12th में, आई डोंट नो व्हाई. तो ये क्या है, अच्छा ओके इसमें भी उन्होंने कहा कि भाई वो बताओ जरा क्या बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेंसिटी, दिमाग ही काम नहीं कर रहा. तो बेसिकली अपन ने देखा कि भाई जीरो से लेके आर तक कितनी है इस स्फीयर की, ठीक है इस पॉइंट तक, और फिर अपन ने देखा आर से लेके इन्फिनिटी तक की कितनी, आर से लेके इन्फिनिटी तक की कितनी थी ये तो अपन ने अभी निकाल ही लिया, ठीक है. और वो फर्क नहीं पड़ता कि ये स्फीयर था और ये एक हॉलो शेल था, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेसिकली मानेंगे तो अपन इसको अगर मैं यहाँ बैठ जाऊंगा और ऐसा गॉसियन सरफेस बना दूंगा तो मेरे को दिखेगा तो बस एक ये चार्ज क्यू ही अंदर और इसमें भी वही दिखेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आर से लेके इन्फिनिटी तक हमेशा आंसर सेम ही रहेगा, कोई भी सरफेस ले लो, ठीक है दुनिया का कोई भी सरफेस ले लो, बाकी इस ये जरूर वेरी कर सकता है ये वाला टर्म, ठीक है. तो ये वाला टर्म कैसे वेरी कर रहा है, अपन ने निकाल रखा था ऊपर कि भाई किसी भी अंदर वाले पॉइंट पे, किसी भी अंदर रैंडम छोटे से आर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, वो अपन ऊपर निकाला था ऐसी कुछ रहती है शायद के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर आर क्यू, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब ऐसी कुछ रहती है ना, पता नहीं. तो निकाला, इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया, ऐड कर दिया, ठीक है काफी. कैपेसिटेंस, हाँ भाई कैपेसिटेंस में ये है, ये अपने को पता है कि क्यू बाई आर होता है वी, कैपेसिटेंस पता है अपने को, मतलब क्यू इज इक्वल्स टू सी वी होता है, तो कैपेसिटेंस बेसिकली हो गया क्यू और क्यू अपॉन वी का रेशियो, रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज. तो क्यू अपॉन वी करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा, यही इसका कैपेसिटेंस होगा, बस ऐसी फालतू बकचोदी, ठीक है. ई बिटवीन,
अपन ने अभी देखा, अभी अपन ने ऊपर देखा कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट, ये अगर ऐसी मैं बड़ी प्लेट बना दूं जस्ट इन केस, और इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी पास डेल्टा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में इधर है, क्योंकि ये प्लस है तो ये एमिट कर रहा है और ये माइनस है तो एब्जॉर्ब करेगा, और ये भी प्लेट ही है तो इसमें भी सेम ही रहेगा डेल्टा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे डेल्टा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये भी अपने को पता है, अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो ई डॉट डी इज इक्वल टू वी, ठीक है, अपने को पता है ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज वी, तो ये हो गया, वी को अपन ने ऐसे लिख दिया, ई को बेसिकली यहाँ सब्सटीट्यूट किया, तो डेल्टा अपॉन डी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये पता है अपने को, ये आता है, तो मतलब क्यू बाय वी इज बेसिकली सी ऑफ दिस नॉर्मल कैपेसिटर जिसकी अपन बात करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो अपने को रटा ही रहता है। एनर्जी स्टोर्ड, हाँ भाई, एनर्जी स्टोर्ड की बात मैं जैसे कर रहा था ना कि एनर्जी की मैं बात कर रहा था कि वर्क डन बाय, अपन ने इसमें बेसिकली इट इज नोन एज वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट जो अपन वर्क कर रहे हैं वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, और उसी को अपन एनर्जी स्टोर मानते हैं। जब अपन सेल बैटरी की निकालते हैं ना वो ईएमएफ वगैरह, उसमें जो अपन ऐसे इसी तरह से प्रूफ करते हैं वर्क डन निकाल के, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, अरे ठीक है, मतलब ये तो पता ही है तुम्हें क्यू स्क्वायर बाय टू सी हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू वी बाय टू, इसको रट, अगर किसी को रटने में दिक्कत होती है इसको, मतलब कोई बता दो अगर होती है तो, मैं ट्रिक बता सकता हूँ, दो साल से पढ़ते आ रहे होंगे लोग, भाई अरे यार ये याद है, नींद में कुछ है तो भी बता, आगे चल जाए तो चल आगे हाँ बस बाकी क्या है, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा था, अब थोड़ी थोड़ी उसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब ये जो पार्ट शुरू हो गया इसमें ये निकलवा रहे जम के कैपेसिटेंस, जम के मतलब, और पागल जैसी कैलकुलेशन है, पागल जैसी, ठीक है, तो बेसिकली अपन निकाल रहे हैं वी ए माइनस वी बी, और ई डॉट डी एल की अपन ने इंटीग्रेशन ऑब्वियसली मतलब देखो यहां से लेके यहां तक का निकालना है, तो बी से लेके ए तक का अपन ने निकाला, इंटीग्रेट किया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये अपने पास वी आ गया बेसिकली डी वी, ठीक है, V आ गया इनफैक्ट, डी वी भी नहीं, तो Q अपॉन डेल्टा V होता है C, Q क्या था इसमें, एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, शायद मैं एक चीज लिखना भूल गया यार, हाँ मैं Q लिखना भूल गया हाँ मैं Q ही लिखना भूल गया, ठीक है, तो मतलब जो भी है कैपेसिटेंस आता है और वो ऐसा हो जाता है ए बी अपॉन या बी माइनस है, या फिर उसको ऐसे लिख दो वन अपॉन फोर वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी, ठीक है, ये भी रटते ही हैं वैसे तो, एक तरह से याद नहीं रहता पर हाँ पढ़ाते हैं अपने को ट्वेल्थ में, तो अगर ए इज इक्वल टू बी हो गया तो ऑब्वियसली सी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, बाकी बी वो एक्चुअली इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये मतलब मिल जाएंगे ना, तो एक ऐसा स्फेयर बन जाएगा, स्फेयर बन गया जब कोई डिस्टेंस ही नहीं है दोनों के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में, तो फिर Obviously, C का कोई काम ही नहीं है। हाँ भाई पूजन, पूजन और लिप्लास, ये बहुत ही हरामी दो लोग थे, ठीक है, इनकी इनके बहुत चुल थी और इन्होंने सोचा कि चलो बच्चों का सिलेबस बढ़ाते हैं, तो इन्होंने ऐसी ऐसी एक इक्वेशन निकाली, ठीक है, ये अच्छी खासी चल रही थी जिंदगी इस इक्वेशन से, लेकिन नहीं इनको चुल थी, और इन्होंने फिर वापस इसको डिफ्रेंशिएट किया और इन्होंने कहा कि भाई डेल स्क्वायर वी जो होता है वो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको उन्होंने पॉइजन इक्वेशन बोल दिया, फिर लैपलेस था उसको और ज्यादा चुलती, उसने कहा कि नहीं मैं इसको गलत प्रूफ करूंगा, और उसने कुछ और ही निकाल दिया, उसने कहा कि अगर ये रो जीरो हो गया तो डेल स्क्वायर वी जीरो हो जाएगा, ठीक है, और फिर इन दोनों ने मिलजुल के दोस्ती यारी कर ली बाद में, और फिर इन्होंने यूनिकनेस थ्योरम निकाली, इन्होंने निकाली कि नहीं पता नहीं, मैं ऐसी बस खुद जैसे कहानी बना रहा हूँ, तो बेसिकली यूनिकनेस थ्योरम ये कहती है कि फॉर लार्ज क्लास ऑफ बाउंड्री कंडीशंस द इक्वेशन मे हैव डिफरेंट सॉल्यूशन बट द ग्रेडियंट ऑफ एवरी सॉल्यूशन इज सेम, मतलब इस दुनिया का कोई भी तुम सरफेस ले लो, ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं अगर उस ये चीज अप्लाई करूंगा, क्यों निकाली इन्होंने, फिर बाद में समझ में आया कि डेल डॉट ई इज रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका रो डिफरेंट होगा, ठीक है, अगर मैं ऐसा सरफेस लूंगा तो इसका रो डिफरेंट होगा, सबका अलग अलग सॉल्यूशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन जैसे ही मैं इस चीज को वापस से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो
सॉल्यूशन इसका हो या सॉल्यूशन इसका हो या दुनिया के किसी भी कंडक्टर का हो, सेम ही आएगा और वो आएगा जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाती है जो उन्होंने ऐसे थ्योरम बना दिए। देख ऐसी बात है, जब ये फॉर्मूला अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते हैं ना, है ना, तो अब मैं तुझे बोलूं कि इस दुनिया का कोई ये कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ऐसा है, ठीक है, और इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा अलग आएगा क्योंकि इसका रो अलग है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा अलग आएगा, इसका रो अलग है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा इसका रो अलग है तो अलग आएगा सबका, बट जैसे ही तू वापस इसको डिफरेंशिएट कर देगा और ये चीज निकालने की कोशिश करेगा, ये भी नहीं इनफैक्ट, ये निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो इन सबका आंसर जो होता है वो आ जाता है जीरो, या मतलब जीरो नहीं आता, वो सेम आता है, सेम आता है एक्चुअली, सेम आता है, जीरो नहीं आता, ठीक है। तो भाई मेरे को इन डेप्थ कुछ नहीं पता है, जितना सर ने मुझे मतलब ऐसे लेक्चर में पढ़ा है मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो मेरे को मैंने लिख लिया बेसिकली, सर ने लिखवाई नहीं डेफिनेशन बट मैंने लिख ली थी, तो ज्यादा मुझे डेप्थ भी नहीं पता, बट हाँ इतना मुझे समझ में आया था कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि डेल डॉट ई अगर सबका अलग अलग आए बट लेकिन डेल स्क्वायर वी अगर मैं बोलूंगा तो सबका सेम ही आएगा, ठीक है। अब निकलवाने वाले हैं ये बहुत जम के कैपेसिटेंस सबका, ठीक है, तो थ्योरी इतनी सी है बस इस चीज की कि मान ले कोई चार्जिंग कोई ऐसा कंडक्टर सा है, ठीक है, और मान ले अगर उन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है और लोकेशन है अगर वो अपने को पता है, तो पहली कंडीशन ये चार्ज पता है कि Q2 Q1 Q3 क्या क्या है, किस किस जगह है ये पता है, और अपने को ये पता है कि V या dV/dr, ठीक है, क्या है इन सब पॉइंट्स का, मतलब सरफेस पे किसी भी पॉइंट का, तो अपन आगे प्रोसीड कर सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये कंडीशंस नेसेसरी है। इन्होंने प्रूफ किया पॉइजन इक्वेशन को, कि भाई कैसे प्रूफ किया, इस जगह इन्होंने बोला कि भाई इस पॉइंट पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल V1 है, ठीक है, तो डेल स्क्वायर V1 माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपन ने देखा भी यहाँ, है ना, यहाँ से, तो इन्होंने कहा कि भाई पॉइजन भैया कहते हैं कि ऐसा होगा, फिर मैंने अगर इस पॉइंट पे देखा और इस पर अगर V2 है तो ये होगा, ठीक है, और ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा, देखा, मतलब कुछ भी फालतू ही, कुछ नहीं कर सकते, ये प्रूफ है बस इतना सा, तो V1 V2 सेम हो जाएंगे। तो यूज ऑफ लैपलेस इक्वेशन, अब भाई शुरू हो चुका है, अब निकालने वाले कैपेसिटेंस, डेल स्क्वायर V, आ जाओ भैया कैलकुलेशन पे, किसको पसंद है। तो ये डेल स्क्वायर V होता है, ठीक है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब पढ़ा रहे थे ना सर, तो उस टाइम उन्होंने लिखवाया था भाई डेल V का क्या फॉर्मूला है, डेल स्क्वायर V का क्या फॉर्मूला है, 90% चांसेस ये है कि पेपर में सर दे देंगे ये फॉर्मूला लिख के कि ऐसा ऐसा होता है, 10% चांस जुगाड़ कर ही लेना, मेकअप में नहीं दिया था इन्होंने फॉर्मूला, मेकअप में नहीं रखा क्या, नहीं, पहला क्वेश्चन इसी का था, नहीं दिया था फॉर्मूला मैंने, चेक किया वो फोन से, अरे तुम लोग पागल हो, लिख के आना चाहिए था ना, इतने तो हमको चीटिंग करनी आती है कि फॉर्मूला बता सकते हैं, इसको बोलते क्या यार, मैं भूल गया, डाइवर्जेंस बोलते क्या इसको, नहीं क्या बोलते, हां ठीक है कंटिन्यू करो, लाप्लासियन, लाप्लासियन बोलते हैं, लाप्लासियन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लो, हाँ ना, जिसको शक हो रहा था ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है, क्या हेलो भाई तू कर, चल आगे, हाँ सही, लाप्लेस इक्वेशन अपन ने लिख दी, ठीक है, मुझे नहीं पता बात पता चली गई
वैसे स्वतंत्र ये सब पढ़ने के बाद एक ही लाइन बोलेंगे कि तू बता देना कल भाई अभी पढ़ लेते हैं ठीक है पहले जल्दी फटाफट करते हैं बहुत लेट हो गए अपन काफी लेट है तो जब अपन लाप्लेसियन अपन निकाल रहे हैं इसमें तो ये जो टर्म है बेसिकली ये जीरो हो जाती है क्योंकि वी का जो है वो थीटा से कोई रिलेशन नहीं है तो डी वी बाई डी थीटा जैसे ही जीरो हो गया ये जीरो हो गया मतलब ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया खत्म ठीक है फाई के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है वी का तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी इस वजह से सिर्फ इतना सा बचता है क्योंकि v का जो भी रिलेशन है वो r से है ध्यान से देखोगे तो अगर ठीक है क्योंकि v जो है वो r से ही रिलेटेड है जो है जैसा भी है डेल स्क्वायर v वन अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन आर जो भी है रिलेशन लिखा अब अपने को अपने ऊपर देखा अब भी जस्ट क्या देखा 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 अरे वो चूते थे ना दो कौन से हाँ ये डेल स्क्वायर v जिसने जीरो बोला था लैपलेस ने तो अपने को पता ही डेल स्क्वायर v जीरो होता है ठीक है ये जीरो इसका मतलब कि ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट होगा ठीक है मान लो दिस इज सम कांस्टेंट सी वन ठीक है ये सी वन किया अपन ने डी बाई डी आर लिखा आर सी वन अपॉन आर स्क्वायर वी को अपन ने इंटीग्रेट किया सी अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस सी वन अपॉन आर प्लस ये इंटीग्रेशन वाला कॉन्स्टेंट है सी टू ठीक है अब बेसिकली क्या क्या चीजें चाहिए थी ये सॉल्व करने के लिए अपने को एक चीज तो अपने को सब चार्जेस की लोकेशन और मैग्नीट्यूड पता हो और दूसरी चीज जो चाहिए थी वो ये चाहिए थी कि अपने को v पता हो या dv by dr पता हो dv by dr पता हो ताकि ये निकले अपने से ये पता होना चाहिए या v पता होना चाहिए v अपन ने निकाल लिया dv by dr नहीं दिया था v इन्होंने बताया कि भाई यहां जीरो है क्योंकि ग्राउंडेड है और इस पॉइंट पे v नॉट है ना तो अपने को पता चल गया एट r इज इक्वल टू a की अगर मैं बात करूं तो v ये जो है वो v नॉट हो गया देखो r इज इक्वल टू a पे v नॉट है r इज इक्वल टू b पे जीरो है क्योंकि ग्राउंडेड है ना अपने दो वेरिएबल हैं सी वन सी टू निकालने हैं सी वन सी टू निकालने हैं पुट कर दो इसमें मतलब निकालते रहो बैठ के फिर चमारो जैसे सी वन आ जाएगा ये ठीक है और सी टू में रिलेशन आ गया था अपने पास ये मतलब ठीक है तो बेसिकली ऑल इन ऑल अपने पास ये रिलेशन आ जाता है वी एट एनी पॉइंट आर क्या है माइनस सी वन अपॉन आर प्लस सी वन अपॉन बी मुझे भाई 1% आइडिया कि क्यों इतना कैलकुलेशन करा रहे हैं सीधे सीधे निकलवा सकते हैं कि भाई क्या कैपेसिटेंस होता है लेकिन नहीं इनको बकचोदी करनी है तो करने दो तो C1 की वैल्यू अपने यहाँ पुट कर दी C1 की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दी ये आ गया अपने पास रिलेशन अब अपने को पता है कि भाई E जो होता है माइनस डेल V होता है ये अपन ने जस्ट ऊपर पढ़ा इसीलिए मैं थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ा रहा था ताकि तुम लोग फिर पूछते कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन पढ़ रहे थे ऊपर लिखा हुआ था कि माइनस डेल V वैसे भी पता है अपने को कि मतलब dV बाई dr ही होता है dV बाई dr इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी वी बाई डी आर तो डेल यही काम करता है मतलब डी आर का ही काम करता है अपॉन में तो पुट कर दिया भाई ठीक है कहा गया ये रहा इस टर्म को पुट किया ये तो कांस्टेंट था ये जीरो हो गया है ना ये माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर हो गया ठीक है और वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट लग गया ठीक है ये ऐसा आ गया और जब अपन ने इसको डिफ्रेंशिएट किया अब अपने को पता ये भी पता है अब अपने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मेटल जो होती है वो ये होती है वो भी मैंने कहा था कि रट लेना है ना डेल डेल अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है वैसे बेसिकली तो वो इन्होंने सिग्मा को कहा ई इंटू एप्सिलॉन नॉट ई अपन ने निकाला ऊपर से और अपने निकाला डेल्टा ए डेल्टा हाँ डेल्टा सिग्मा जो भी मानना है इसको सिग्मा लिख लेना अपने हिसाब से टोटल चार्ज अपने को पता है सिग्मा या डेल्टा इंटू फोर पाई ए स्क्वायर ठीक है ये टोटल चार्ज होगा अब अपने टोटल चार्ज निकाला ये इतनी मगजमारी इन्होंने सिर्फ इसलिए की ताकि ये निकाल सके ये बेवड़े ये निकाल सके क्यू ठीक है और जैसे इनके पास क्यू आ गया तो ये क्यू अपन डेल्टा वी करेंगे डेल्टा वी अपने अभी ऊपर निकाला अब पता ही अपने को डेल्टा वी मतलब ए और बी के बीच में निकाल ना तो वी नॉट माइनस वी वी विच इज जीरो ऑब्वियसली तो वी नॉट अपन जीरो हो गया क्यू अपने अपन ने यहां से निकाला तब जाकर ये सेम चीज आई जो अपन ने ऊपर प्रूफ करी थी ठीक है फालतू में ही कैलकुलेशन करनी है बस इनको करने दो हाँ भाई अरे तो कुछ नहीं तो भाई तो 12 की नोट्स करना करती हो
ट्वेल्थ के नोट्स खोल, सिंगेज खोल, जो खोलना है खोल, क्विज में छाप बस सीधा फॉर्मूला। ये तो वैसे भी मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ मतलब कि एंड सेम भी कवर हो जाएगा अपना, ताकि मतलब ये तो एटलीस्ट तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा बाद में, है ना, करते जाओ सब साथ में। नहीं बचेगा भाई, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, मैं आज सुबह दिन में 1 बजे स्टार्ट किया, मैं 6 बजे लेक्चर खत्म किया, सिर्फ 23 मिनट का लेक्चर, 5 घंटे में खत्म किया मैंने भाई। ढूंढना है तुम्हें फालतू टाइम वेस्ट, तो देख लेते हैं फॉर्मूला ये होता है। अरे वाह साथ ही मिल गए, ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है, ये फॉर्मूला उठाया यहाँ पुट कर दिया, ऐसे होता है 1/s आ रहा है, ये शायद डेल्टा स्क्वायर है, पर अपने ने डेल्टा स्क्वायर डॉट वी निकाला है ना, तो वो शायद डॉट प्रोडक्ट नहीं, डॉट नहीं है भाई, ये वी है, फंक्शन है जिसका निकाला है जिसको अपन इसको, हाँ ये डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा, डॉट प्रोडक्ट अलग चीज है, वी स्केलर होता है, इसमें इसमें तू डाल दे वी अगर, तो यहाँ 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 वी आएगा सब जगह, ठीक है। तो बेसिकली अब वापस जल्दी जल्दी करते हैं अपन, ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि भाई ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ यही बचेगी, क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि वी का जेड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वी का थीटा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वी का जो भी रिलेशन है वो एस रेडियस के साथ ही है इस स्पेसिफिक फिगर में, क्योंकि जो भी वी अपन इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं राइट, है ना, तो एस के ही रिस्पेक्ट में अपन देखना चाह रहे हैं, जेड और थीटा का कोई रिलेशन नहीं, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, डेल स्क्वायर वी आ जाएगा, ये जीरो हो गया, इसका मतलब एस डीवी बाई डी एस जो है वो जीरो है, एस डीवी बाई डी एस ये कॉन्स्टेंट है, सॉरी कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, तो डीवी बाई डी एस ये आ गया, वी एट एनी पॉइंट एस अपन ने निकाला C1 ln S + C2, ठीक है, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन नॉर्मल बेसिक, अपने को पता है डेल्टा एट एस इज इक्वल्स टू ए पे वी नॉट है, एस इज इक्वल्स टू बी पे जीरो है, ये ग्राउंडेड है, सॉरी मैं बनाना भूल जाऊंगा, ठीक है, तो फिर इक्वेशन पुट करी, मतलब ये बस एक प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर ऐसा है, तुम जब तक 50 बार नोट्स नहीं देखेंगे ना तब तक रटेगा भी नहीं है, तो बस रटना है इसको, एक प्रोसीजर यही करना है, जैसे वो बी में अपन निकालते थे ना, वो जो भी है ई की पावर पता नहीं क्या 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 जो भी, तो बस एक प्रोसीजर रटना है, वी नॉट आ गया अपने पास ये, तो सी वन अपने पास आ जाएगा ऐसा, वही पुट कर करके, सी टू आ जाएगा अपने पास ऐसा, सी वन सी टू पुट कर देंगे, बेसिकली वी एस अपना बन के आएगा ये टर्म, वी नॉट एल एन एस अपॉन एस बी ln a upon b, ये vs आ गया अपने पास at any point s, अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस डेल v किया, ठीक है, ये आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को तो विद अ माइनस साइन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू s, अब अपने पास e आ गया तो अपने पास डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा कैसे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके अपने अपने पास डेल्टा आ गया, जैसे ही डेल्टा आ गया, अरे यार रोटेट होता है क्या ये, होता है, चलो सारे हो गए रोटेट, कोई नहीं, जैसे अपने पास डेल्टा आ गया, क्यू अपन ने टोटल निकाला डेल्टा इनटू ए, अपने पास ये क्यू आ गया, अब जैसे ही क्यू आ जाएगा ये आ जाएगा आंसर, क्यू अपॉन वी करेंगे, सी निकालेंगे, सी निकाल बेसिकली वो क्वेश्चन में ऐसे ही दे देंगे कि भाई तुम कैपेसिटेंस निकालो यूजिंग लाप्लेस इन इक्वेशन, तो फिर करनी है सब मगजमारी, 10 नंबर का क्वेश्चन दे देंगे भाई साहब, तो भेजा करो, खत्म हो चुका है मेरा बता इतने में भाई 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और बताओ भाई क्या चल रहा है जिंदगी में, कल बता देना भाई, बस कुछ नहीं चल रहा, अभी एक नया मैसेज हो रहा है, पढ़ा क्या तुमने, नहीं क्या, सबके क्वेश्चन अलग अलग आएंगे मतलब मतलब कई सेट बनेंगे एक सेट में, अरे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे भाई, वो सर वेरिएबल वैल्यू चेंज करेंगे स्लाइटली, नहीं नहीं क्वेश्चन अलग होंगे स्लाइटली, क्वेश्चन ही अलग होगा, अगले वाले मुदास का पढ़ दो, वो नबेंदु है मराओ, हनी में नया ट्विस्ट आया, नमक मिर्च लगाया नबेंदु सर ने, ये किसने कहा कि क्वेश्चन चेंज हो गया, सबके क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, ये किसने कहा,
ये नभेंदु दास सर ने कहा है, गीतांश से पूछा नहीं, क्लासरूम में नहीं व्हाट्सएप पे आया, देखो चेक करो अभी अभी आया है अभी, मित्तल पे भेज रहा हूँ, मित्तल पे नहीं आएगा ये। अरे तो कितने ही आ जाएंगे, सेट सी तो आएंगे यार। पागल है क्या, 50 बनाएंगे हम, सिर्फ 4 से या 6 से बना दे तो बहुत है, 4-5 बना देंगे ज्यादा से ज्यादा। ए व्हाट्सएप बंद कर भाई, 5-6 सेट एट मोस्ट, 5-6 सेट होंगे। अरे सुनो सब लोग, सॉल्यूशन है ना वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व करना, सबकी वैल्यू अलग हुई तो बच जाएंगे। आते होते तो यहाँ माइनस फाइव है, प्लस 10 माइनस 5 है, तुक्का कौन मारेगा, कौन सा है ये, कौन था ये तुक्के वाला भाई, नॉट इंटरेस्टेड का भी तो ऑप्शन है यार भाई, उससे तुक्का क्या मारना है, उससे तो डायरेक्ट मारना है। हाँ तो बस काम खत्म ना, सब पे नॉट इंटरेस्टेड ही मार देना। सुन लो, वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व करना ताकि सबका काम हो जाए। वो मेरे फॉर्म में इधर आया है सर से, मैसेज कौन से ग्रुप में है, किसी ने सर का भी स्टिकर बना दिया, वो भी सर के ग्रुप में ही डाल रहे लोग, डालो क्या पागल हो यार। अबे ये कौन है पागल जो पूछ रहा है सर से कि क्वेश्चन सेम आएंगे या अलग आएंगे, सर तो ना ही कहेंगे ना, ये कुछ ज्यादा चमचे बच्चे हैं। हाँ, जो पूछता है ऐसे कौन से, वो हर बच्चे के लिए अलग अलग बनाएंगे क्वेश्चन सेम। अबे नहीं होंगे यार, ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि फिर वो उस लेवल का वो नहीं मेंटेन कर पाएंगे ना यार, लेवल नहीं मेंटेन कर पाएंगे सबका। अरे सेट ही बनाए होंगे ना, कितने ही सेट बनाए। अश्विनी कौन है ये, प्रतीक अश्विनी कौन है ये, मरेगा ये, नभेंदु फिजिक्स ग्रुप पे डालते हैं नभेंदु सर का, अबे मैं बंगाल से ली हूं फोटो लगा के, प्रतीक अबे मैं बस बोली हूं, उसने मतलब मैसेज डिलीट कर दिया, उसने मेरा मैसेज डिलीट कर दिया, मित्तल मित्तल पे भेज दिया, किसने टैग करके रख दिया उसे नीचे, देखो और टैग कर दिया शिवम यादव ने, वैसे जो अपन पढ़ने वाले ना वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इस पार्ट में बहुत सारी भर भर के कैलकुलेशन है, इतनी गंदी कैलकुलेशन, और मतलब तुम पागल हो जाओगे देख के, और मैंने भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया इसके नीचे के पार्ट के लिए, तो मतलब मुझे भी थोड़ा कम ही समझ में आया, और मतलब ऐसे कोई सेंस भी नहीं है इसको समझने का ज्यादा। बाकी ठीक है, अभी तक कंटिन्यू करें, स्टार्ट करें। हाँ हाँ है ना, इतनी सी बात है कि अभी तक अपन जैसे कैपेसिटेंस निकाल रहे थे एक तरीके से, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंडक्टर दे दिया, ठीक है, ये कौन ट्रिम कर रहा है यार रात को, तुम बाथरूम में जाके करो ना ये सब। ट्रिम कर रहा है साले, शर्म तो कर, क्या क्या काट रहा है तू बैठा बैठा चेयर पे। क्या हो गया अबे, ठीक है कौन से। हाँ तो तो एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको उन्होंने ऐसे मोड़ दिया, ये जेड वाई प्लेन है और एक एक्सेड प्लेन है, ठीक है, ऐसे मोड़ दिया, ये एक बीच में इंसुलेटिंग लेयर है ना, पाई बाय 6 का इनमें है एंगल डिफरेंस, ये 0 है एंगल 0, और यहां से लेकर यहां तक पाई बाय 6 इसने लिया। अब ये कह रहा है कि इसके बीच का निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड या कैपेसिटेंस, जो भी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अपन वही अपने मेथड सेटिंग जो करते आ रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ठीक है, इसमें 1/s दिस वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, नहीं 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 अपन ने शायद इसमें
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है क्या? देख सिलेंड्रिकल ही लिया तो इसमें ये चीज जो है वो जीरो हो जाएगी। अच्छा आगे, अच्छा मैंने आगे वाले टर्म नहीं लिखे, ओके सॉरी, ये मैंने आगे वाले टर्म नहीं लिखे, तो ये वाली चीज जीरो हो रही है। ये क्या क्या किया क्या है मैंने, वन बाई एस, नहीं नहीं नहीं, अपन ने सिलेंड्रिकल ही लिया है। और इस केस में, इस केस में पता क्या हो रहा है? अच्छा राइट, इस केस में जो वी है ना, वो अपना डिपेंड कर रहा है फाई पे, ठीक है? तो इसीलिए अपन ये जो फाई वाला टर्म है, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है? और ये जो फाई वाला टर्म है ना, ये वाला चीज ये बचा रहेगा, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है? तो मतलब ये एक्चुअली कट जाते हैं। फिर ये वाला टर्म बचा, इस वाले टर्म को अपन ने लैप्लेसियन लिखा। अपने को पता है जो टोटल लैप्लेसियन होता है, टोटल लैप्लेसियन वो जीरो के बराबर है, तो अपन ने इस टर्म को जीरो के बराबर किया, तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब dv by d phi कुछ कांस्टेंट c है, v कोई ये आ जाएगा c plus b, ये दोनों कोई कांस्टेंट है। c और b की वैल्यू निकालो, वही जैसे करते आ रहे हैं। ये उन्होंने बताया कि ये वाली प्लेट जो है वो ग्राउंडेड है और इस वाली प्लेट पे 100 वोल्ट है, ठीक है? ये अपने को पता है दोनों चीजें। फाई अपने को पता है एट फाई जीरो, एट फाई पाई बाई सिक्स पे 100 वोल्ट है, ठीक है? तो फाई की वैल्यू पुट करी जीरो, बी की वैल्यू आ गई जीरो, ठीक है? ए बचा, अब फाई की वैल्यू पाई बाय सिक्स पुट करी तो ए की वैल्यू 600 बाय पाई आ गई। वी अपने पास बेसिकली ऐसा आया इन टर्म्स ऑफ फाई, राइट? अब अपने को वी निकालना है माइनस डेल डॉट वी, ठीक है? अब अपन ये करेंगे जो करते आ रहे हैं हमेशा से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे माइनस 600 पाई एस आएगा। अब तुम बोल रहे हो कि भाई ये क्या चीज है, ये वो एस कहां से आ गया? मतलब अभी तक वो आता है क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब अपन डेल निकालते हैं ना, कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट एंड फाई एज वेरिएबल, तो ये यही टर्म बचता है, ये टर्म निकलता है। मतलब इन शॉर्ट, तुम अगर एन टाइम पास करनी है तो तुम्हें मिड सेम के पहले का तो रटना ही पड़ेगा वापस से। ये मेथड ऑफ इमेजेस एक करके है, ठीक है? मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसको देख लेना एक बार, बस मैं ही कह रहा हूँ। और अच्छी चीज ये है कि माइनस 600 बाय पाई एस जो भी है, ठीक है? तो ये चीज तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो चीज है ना, ये माइनस के साथ आ रही है, फाई कैप। और फाई कैप अपने को पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब अपन ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो फाई कैप जो होता है वो ऐसे डिफाइंड होता है, इसीलिए माइनस फाई कैप मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ऑब्वियसली वो समझ भी आ रहा है कि मतलब इधर प्लस 500 वोल्ट है, इधर जीरो है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है? तो मेथड ऑफ इमेजेस आ गया, बेसिकली वही वाली चीज है कि अगर एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है और उसके सामने अगर मैं क्यू चार्ज रख दूं डी डिस्टेंस दूर पे, तो इस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा इन ऑर्डर टू मेक इट पोटेंशियल जीरो, कितना होगा, है ना? व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस ऑन द प्लेट ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है? अब अपन उसको निकालेंगे। तो बेसिकली इन्होंने इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम थी, इसको इन्होंने चेंज कर लिया है एक जनरलाइज फॉर्म में, कि मैं अगर एक टी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो ए पॉइंट जो है वो 00d पे है, ठीक है? और एक चार्ज माना है नहीं माना है माइनस क्यू नीचे की साइड, उतना ही दूर जितना ये था, ठीक है? इसको बोलते हैं ये लोग मेथड ऑफ इमेजेस। तो ऐसा चार्ज मान लिया, इन्होंने निकाला है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है? के क्यू बाई ए टी, ऑब्वियसली इसकी वजह से ये पोटेंशियल, इसकी वजह से ये पोटेंशियल, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है? ये आ गया। अब ए टी और बी टी की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, बस कैलकुलेशन है बहुत गंदी। ए टी क्या है? ए टी ये वाला डिस्टेंस है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस डी का होल स्क्वायर। बी टी ये चीज है, ठीक है? जेड प्लस डी और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? माइनस डेल डॉट वी। अब तुम सोचो इसका इन डेल निकाल रहे हैं, मतलब गट्स देखो आदमी के। मैं तो ये देख के छोड़ दूं क्वेश्चन कि इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन भी करना है अभी, ठीक है? फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन है, इन्होंने डायरेक्ट वी में ही कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब बेसिकली अपन किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? अपन उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं जहाँ पे जेड जीरो है, क्योंकि अपन देख रहे थे ना यहाँ पे जेड जीरो है, अपन ने मान के चला है कि डी ऊपर है डी नीचे, और जेड जीरो पे निकालना है। तो डी वी बाई डी जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो, इन्होंने बहुत ज्यादा गट्स दिखा कर ये निकाला है, और इसमें जेड भी पुट किया है फिर उन्होंने, और फिर एक्स और वाई के टर्म्स में रिलेशन आ गया अपने पास डेल्टा का, ठीक है? अपने को पता है कि भाई
इन्होंने कर लिया, इन्होंने बोला कि भाई किसी भी सिलेंड्रिकल नहीं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन बोलते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दिया उन्होंने इसको इस जगह पे r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बाकी अगर अपन ऊपर से देखेंगे तो ऐसा कुछ सीन दिख रहा होगा कि मतलब एक चार्ज प्लेट है, ठीक है, और इसमें ऐसी रिंग बन रही है, रिंग मतलब जैसा बन नहीं रही है, अपने रिंग जैसे एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, और क्यू एक चार्ज ऊपर है, अपने को निकालना है कितना चार्ज इंड्यूस्ड है, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड, इन्होंने क्यू माना, क्यू माना, इंटीग्रेट किया, ठीक है, डेल्टा आर आर डी फाई डी आर, मतलब जो अपना वो होता है डी ए, डी ए लिखा है बेसिकली फॉर अ सर्कल, डेल्टा इंटू डी ए इंटीग्रेट किया, क्यू अपने पास आ जाएगा। अब इनको वापस चुल मची, इन्होंने वापस बोला कि आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मैंने कुछ पी स्क्वायर मान लिया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा पी डी पी अपॉन क्यू, है ना, कोई नहीं समझ में आ रहा अभी तो फिलहाल, ठीक है, मतलब जो भी है फालतू कैलकुलेशन की इन्होंने देख लेना एक बार यार, तुम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर अपन, ठीक है, तो क्यू इक्वल टू क्यू हो जाता है। ये इन्होंने इतनी मगजमारी सिर्फ इसलिए की है ये दिखाने के लिए कि अगर मैं कोई कंडक्टिंग प्लेट लेता हूं और अगर मैं उसके सामने क्यू चार्ज रख दूंगा, तेरी कहां गए, ऊपर चले गए, हाँ, अगर ये कोई कंडक्टिंग प्लेट लेता हूं, अगर उसके सामने क्यू चार्ज रखूंगा तो इस पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा इस सरफेस पे, बस इतनी सी चीज को प्रूव करने के लिए इन्होंने इतना वो किया है, ठीक है, पर इनकी मर्जी, वैसे माइनस क्यू रहेगा, सॉरी माई बैड, माइनस क्यू है। तो उन्होंने बस इसको जनरलाइज किया दिया कि भाई ये कंडक्टिंग प्लेट है, ऐसा एक नया क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, उस पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लस क्यू है अगर चार्ज तो क्या इंड्यूस होगा, तो इस प्लस क्यू का रिफ्लेक्शन माइनस क्यू के रिफ्लेक्शन पे वापस प्लस क्यू के रिफ्लेक्शन पे माइनस क्यू, ठीक है। कंडीशन बस इतनी सी कि जो अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट इतना है, ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें अपन कोई चार्ज नहीं ला सकते, यहाँ तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि माइनस क्यू ले आया है, प्लस क्यू ले आया है, माइनस क्यू ले आया, बट अपन रीजन ऑफ इंटरेस्ट में कोई चार्ज नहीं ला सकते, बस इतनी सी बात है, ठीक है। पॉइंट चार्ज इन फ्रंट ऑफ ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें बहुत मेहनत की थी यार मैंने समझने में, ठीक है। इसका क्या था कि अगर ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जो ग्राउंडेड है, इसका मतलब ऑब्वियसली पोटेंशियल जीरो है, उसके सामने अगर मैंने क्यू चार्ज रख दिया, इस पे क्या चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, अपन बेवड़े नहीं है, अपने दिमाग है, अपने को पता है माइनस क्यू होगा, है ना, इस साइड, बट इनको तो चिल है तो ये करेंगे प्रूफ। तो टू कीप द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर जीरो, देयर मस्ट बी अ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द स्फीयर, ऑब्वियसली क्योंकि स्फीयर कंडक्टिंग था और पोटेंशियल जीरो था इस पे, पोटेंशियल जीरो रखने के लिए भाई वो था ना अपना ये स्टार्टिंग में न्यूट्रल सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूट्रल था, तो उस केस में भाई इधर अगर माइनस क्यू, मतलब कुछ तो चार्ज इंड्यूस हुआ ही होगा इस प्लस क्यू की वजह से इन ऑर्डर टू मेक पोटेंशियल जीरो, तो क्या हुआ होगा नहीं पता, इधर हुआ क्या हुआ, इन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हुआ और ये एक कुछ डी डैश डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना। अब अगर वी पॉइंट वी निकाल रहे हैं अपन एट पॉइंट सी, पॉइंट सी निकाल रहा है, तो भाई इसकी वजह से ये होगा ए सी क्यू डैश अपॉन बी सी, मतलब के क्यू बाई आर होता है ना, तो के क्यू अपॉन आर, ठीक है, ये आ गए सी पॉइंट पे, अपन ने पोटेंशियल निकाला फिर से कैलकुलेशन की, क्योंकि हम तो हम माल है, ठीक है, हमारे पास काम नहीं, और अपन ने फिर जब भी इसको कैलकुलेशन को किया तो फिर वी को इन द एंड लाके कर दिया जीरो। तो ये बेसिकली इसमें और इसमें चेंज ये कहाँ से आया है मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वो स्टेप लिखी नहीं, इसमें से ए बाहर निकालो, ठीक है, और इसमें से डी बाहर निकालो, डी स्क्वायर, ए स्क्वायर और डी स्क्वायर बाहर निकालो, तो जब ए स्क्वायर बाहर निकालोगे तो क्यू बाई ए बचेगा और अंदर कुछ 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 बचेगा कचड़ा, ठीक है, इसमें से डी स्क्वायर बाहर निकालोगे तो डी बाहर आएगा और ऐसा कुछ कुछ बचेगा, ठीक है, वी जीरो कर देंगे तो क्यू बाई ए इज माइनस क्यू डैश बाई डी डैश, ऐसा रिलेशन आएगा, है ना। अब भाई सुन, इसमें तो कोई आइडिया है क्या कि वहां से डी क्यू बाहर निकाला, ए क्यू नहीं निकाला? नो आइडिया ब्रो, नो आइडिया, जस्ट सम रैंडम शिट। ये मैं बताता हूँ तुझे, ये जो इक्वेशन ये सर ये लिख रहा हूँ ना मैं, ये जो सर ने लिखी थी
ये भाई साहब पहले से लिख के रखते जैम बोर्ड पे है ना, तीन सेकंड में माइंड यू, तीन सेकंड में इसने ये इक्वेशन से इस इक्वेशन पे आ गया था। ये कह रहा हूँ और डाउट इनसे पूछते हैं तो नाटक रहते हैं। तीन सेकंड में इस इक्वेशन से इस पे आ गया यार, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। स्लाइड भी चेंज कर दी भाई, स्लाइड भी चेंज कर दी, स्लाइड भी चेंज कर दी, कुछ नहीं पता भाई क्यों किया ये, जो भी किया अपने को, अपन पागल नहीं, अपन ये नहीं करेंगे, बट बस तरीका सीख लो, रट लो तरीका, रट लो अपनी, ठीक है। तो बेसिकली d by a is equals to a by d dash, ये रिलेशन आया है, ये कहां से आया है, एक सेकंड बस, एक सेकंड, a by d dash, ठीक है। ये रिलेशन कहां से आया है, ये इसी को जीरो करने पे ही आएगा, ये भी जल्दी से करने exactly, right. हाँ, जब अपन इस टर्म को जीरो करते ना तो ये दो रिलेशन निकल के आते हैं, ये दोनों, इससे अपन ने निकाला a square equals to dd dash और q dash अपन ने निकाल लिया, मतलब in terms of q and d dash, तो बस पुट कर दिया और q dash हो गया minus q a by d, ठीक है, मैंने साफ साफ लिखा है जो ये है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ शॉर्टकट तरीका जो जिससे मैंने खुद किया था घर पे। लेट द इंड्यूस चार्ज बी x, मान लिया x है, ठीक है, पोटेंशियल जीरो करना है, पोटेंशियल एट द सर्फेस ड्यू टू q एंड इंड्यूस चार्ज इज व्हाट, इस सरफेस पे क्या होगा इसकी वजह से, के क्यू बाई डी है ना, और ये एक एक्स चार्ज इंड्यूस्ड है तो इसकी वजह से माइनस के एक्स बाई ए, ठीक है, जीरो, x, x मतलब एक, x बस एक मान लो कुछ टर्म है, मतलब मैग्नीट्यूड है बस x, ठीक है, तो माइनस के एक्स बाई ए क्योंकि मेरे को पता है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, q बाई डी इक्वल्स टू x बाई ए, एक्स की वैल्यू आ गई क्यू ए बाई डी, देख लो, और x तो मतलब मॉड है तो बेसिकली x एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस सरफेस पे माइनस क्यू बाई डी इंड्यूस होगा, ये मैंने खुद किया था, पता नहीं क्यों उनको इतनी कैलकुलेशन करनी पसंद है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो एक a रेडियस का स्फीयर था, अगर मैं किसी रैंडम r रेडियस की बात करूं तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि बाय रिप्लेसिंग a विथ r तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, अरे खत्म हो गया फाइनली, खोल रहा हूँ, दूसरा पेज अभी कितना बचा है भाई, अभी बचा है 11 पेज भाई, देखो जी मैं भी है ना बस इसीलिए बैठा हूँ कि यार ये इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है क्योंकि दिमाग में तो कुछ जान नहीं रहा है मेरे, मेरा आधे घंटे से मैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सब सर के ऊपर से जा रहा है, सर को भी खुद कुछ नहीं आता होगा, वो भी टिप टाप के करते होंगे, समझाते ही नहीं है वो। हाँ भाई मैंने देखा भाई कितनी चीजें ऐसी हवा में उड़ा देते हैं, मतलब इतनी चीजें हवा में उड़ा देते हैं पता ही नहीं है कुछ, और कहते हैं क्लास में पूछ लेना, अब एक बात समझा तो दो पहले, है क्या तो पूछेंगे ना, मतलब डिसीजन ले लो कि स्वतंत्र कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, ये डिसीजन ले लो भाई, भाई बता दो, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो खुद से पढूंगा कुछ, सही बात है भाई, मैं तो है ना मैं इसीलिए बैठा हूं, ये स्वतंत्र पढ़ा रहा है इतनी मेहनत से नहीं जाता, ठीक है मैं एक बात बताता हूँ, ये जो चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसके बाद ना सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन है, जो भी मेन फंडे थे ना मेन जो कॉन्सेप्ट थे उसमें बता दिया, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, और इसके बाद लास्ट 15वें लेक्चर में पढ़ाएगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये देखो अब ये बोल दे कि मैं कल बता रहा हूँ सारे आंसर, ठीक है सुन तो लो मेरी बात, एक सेकंड सुनो पहले मेरी बात, ठीक है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाएगा, ठीक है इलेक्ट्रिक डाइपोल सबको आता है, बहुत इजी है, देख लो मैं बता देता हूँ कुछ नहीं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर, तो वो सब फॉर्मूले अपने को पता है सारे, इससे फॉर्मूला से नहीं हो जाएगा क्या भाई, मेरे हिसाब से तो हो जाने चाहिए, बट एक्चुअली ये सब भी इसने बताया ना मल्टीपल एक्सपेंशन क्या होता है, तू देख कैलकुलेशन देख भाई तू देखता जा बस, कुछ नहीं होना भाई, मिड सेम में क्या हुआ था कुछ भी कहीं भी जा रहा है भाई, तू कैलकुलेशन देख, मतलब मैं दिखाता हूँ ना तुझको कैलकुलेशन, कुछ भी चल रहा है इतनी कैलकुलेशन है तो रहने दो फिर, देख 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 ये देख फिर देख ले बस, ये मैं ये शुरू कर देता हूं, पास कैसे होंगे, पास कैसे होंगे, कम तो मेरे यही चल रहा है मेरे, पता है मैं तो इसकी इज्जत करने के लिए बैठा हूँ यार, ये भाई इतनी मतलब मेहनत से पढ़ा रहा है स्वतंत्र, यार तो रुक जाते हैं
बस इसलिए बैठा हूँ मैं, वरना मेरे को बस फिर काम करो भाई, स्वतंत्र तू रहने ही दे, मतलब क्योंकि काम करते हैं। मैं बता देता हूँ ऑनेस्ट ओपिनियन तुम्हारा, ये मैंने 13 लेक्चर तक पढ़ा दिया और यहाँ तक सब कुछ बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। अब तुम आराम से जाके बहुत छोटी वीडियो है लेक्चर 14 की, लेक्चर 14 की वीडियो मेरे ख्याल से 25 मिनट की, 14 की 25 मिनट की है कुछ कुछ लेक्चर 14 भाई। तो मैं देख, मैं ये सब भी कर रहा था ना, देख तू ये जो चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई है, जो मैं ये भी कर रहा था, खुद भी लिख रहा था सॉल्यूशन ताकि तुम लोगों को समझा सकूं, समझ रहा है? तो ये चीजें में मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, तो इसलिए मेरे को टाइम ज्यादा लग गया, तुम्हें नहीं लगेगा। आराम से मस्त बैठो 12 बजे, 12 नहीं ब्रेक ले लो, 12:30 पे बैठो, ठीक है? ब्रेक की सख्त जरूरत है सबको भी। देखो जी अब तो सोएंगे, कल देखेंगे। सीएम कैसे पढ़ना है, 2 घंटे में तुम्हारा सारा सीडी खत्म हो जाएगा। और मेरे लैब का रिजल्ट आ गया, जागो नींद उड़ा। अबे वे भाई रहने दो यार, क्या यार मूड मत खराब। तुम भी यार मॉडल पे दिन भर लट